लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझसे बचना इतना आसान नहीं है बे। मैं भाग भाग कर थक गया हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? तेरी जान हमें नहीं चाहिए, तेरी दौलत हमें नहीं चाहिए। अरे 2000 मांगा तो इतना भगाते हो हमें शिवाजी? अरे तुम क्यों परेशान होते हो? उधार वापस करने वाले को परेशान होना चाहिए। बस उधार देना बंद कर दिया है मैंने। देखो विकी, कहो तो तुम्हारा पुराना उधार माफ कर देता हूँ, भूल जाता हूँ और उधार नहीं देता। अरे तुम छोड़ सकते हो, लेकिन हम कैसे छोड़ दे? उधार लिया पैसा जब तक वापस नहीं लौटाया हमें चैन नहीं है। देखो मुझसे नाटक मत करो, मैं उधार नहीं दूंगा। देखो अगर उधार नहीं दिया तो सब पैसा खो बैठोगे। हां दिया तो फिर भी वही होने वाला है। देखो देना है नहीं देना अलग बात है, लेकिन सुबह सुबह अगर झूठ बोला ना तो सब कुछ लूट जाएगा तुम्हारा। नहीं शाम को नहीं, मैंने सूद पर पैसा देना बंद कर दिया है। शिवाजी डिस्कशन करना बेकार है। आपने हमें अब तक 18,000 दिए, 2,000 और देंगे तो 20,000 हो जाएंगे। राउंड फिगर ले लेना। इनको अभी तक मैंने सिर्फ 14,000 ही रुपए दिए हैं और ये पागल उसको 18,000 रुपए समझ रहे हैं। लालच के बवंडर में फंस गया। हाँ, चलो ठीक है। ये लो देखो, ये मैं तुम्हें आखिरी बार दे रहा हूँ। आप हमेशा ऐसे ही बोलते हैं। दोस्तों कभी तो वापस करोगे तुम लोग? थोड़ी करना है। क्या कहा? नहीं कुछ नहीं, आपका बहुत ध्यान से खर्चा करना और जल्दी पैसा लौटाना। वैसे इस 2,000 से तुम मेरा 20,000 कैसे लौटाओगे? अब तक सोचा नहीं है। वो बेचारा शिवाजी समझते हैं हम मेहनत करके ऊपर आएंगे, उसे क्या मालूम हम रोज इतने ऊपर आकर इतनी मेहनत करते हैं। हम रोज यूं सबसे उधार लेके ऐसे उड़ाते हैं, कब तक चलेगा? जब तक लोग उधार देते रहेंगे। सभी जान पहचान वालों से तो उधार ले चुके हैं। तभी तो बोलता हूँ कि पहचान बढ़ाओ, तुम लोग सुनते ही नहीं हो। वैसे ट्राई तो कर रहे हैं, कोई हमें जाना ही नहीं चाहता, देखते नजरें फेर लेते हैं। सूद चाहे कितना भी ले लो, लेकिन पैसा तो कहने पर भी कोई घास नहीं डालता। घास डालेंगे तो खाली हो जाएंगे सोच के। डर ऐसा कहते रहेंगे तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी? पता नहीं लोग इतना क्यों डरते हैं हमसे। मुझे भी बड़ा अफसोस हो रहा है वेंकी। सब लोग 3 साल में डिग्री कंप्लीट करते हैं, हमने मेहनत करके 6 साल में पूरी की, फिर भी हमें कोई नौकरी नहीं देता। नौकरी नहीं मिलती, उधार नहीं देगा कोई, तो हम पिएंगे कैसे, जिएंगे कैसे मेरे दोस्त? अरे
हमारे भी तो कुछ मांगे हैं, दिल में अरमान जागते हैं हमारे। इस वक्त पता है हमें क्या सोचना है कि कल किसका गला काटना होगा। ताले ने दरवाजा बंद कर दिया, देखा? ए दरवाजा खोल जल्दी। अरे तुम हो विक्की, ये क्या इतनी रात गए आए हो? अभी बताता हूँ तेरे को बात क्या। बहुत तेज नींद आ रही है तुझे। अच्छा ये बता, तूने हमें देखते ही दरवाजा क्यों बंद? वैसे ही बंद कर दिया था। वैसे ही बंद करना था तो हमारे आने से 5 मिनट पहले या जाने के 5 मिनट बाद भी तो बंद कर सकता था। तेरा भी मैं बंद कर दूँ सर। अरे मुझे नींद आ गई थी तो मैंने दरवाजा बंद कर दिया। अरे तुमसे पूछ अपने घर का दरवाजा बंद करूंगा क्या? एक तो गलती की और ऊपर से धौंस जमाता है। देखो तुम्हारे घर में जवान लड़कियां भी है, चाहे तो उनसे पूछो इसने गलती की कि नहीं। दरवाजा क्यों बंद किया? अरे बेवक बहस क्यों करे, जाओ यहाँ से। बेवक बहस क्यों आंटी? आज तक मैंने कभी लफड़ा किया आप लोगों के साथ? नहीं नहीं बेटा। सुना क्या? बताओ हमें देख के दरवाजा बंद क्यों किया? अरे हमें उधार देने वाले भी दरवाजा बंद नहीं करते, क्यों शिवाजी? बिल्कुल ठीक कहा। तुमने क्यों बंद किया बेटा? मैं मानता हूँ मुझसे गलती होगी, ओके? यानी हमारे मुंह पे दरवाजा बन गया, मानते हो ना? बिल्कुल मानता हूँ मैं। ठीक है अब बताओ हमने ऐसी कौन सी गलती की जो मुंह पे दरवाजा बन गया? अरे बाप रे, बोल तो रहे हैं कि गलती होगी, अब छोड़ भी बेटा। अगर हमने ऐसी गलती की होती तो आप हमको छोड़ देती क्या आंटी? अरे छोड़ बेटा। क्या? बोल तो रहा है गलती हो गई है, रात के 11 बजे क्या परेशान कर रहे हो, जाओ जाके सो जाओ। पूरे 11 बज गए? फिर तो नुकसान हो गया ना। इसके मुझसे क्या संबंध? बिल्कुल है, तुमसे ही संबंध है। 11 बजे की फ्लाइट से मेरा दोस्त दिल्ली जा रहा है, 5,000 उधार दूंगा, एयरपोर्ट आने को बोला था, तुम्हारे झगड़े की वजह से मैं सब कुछ भूल गया, अब मेरा ये नुकसान कैसे भरेगा, इसकी भरपाई कौन देगा? आप या आप? कोई और क्यों करेगा भरपाई, गलती कोई करे, हरजाना कोई भरे, इस सारे फसाद की जड़ यही हरजाना। शुक्लाम भरदरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये सर्व विघ्नोपशान्ते। आपको पीने से सुबह सर में दर्द जरूर होता है। अनेक दंतम भक्तानाम। क्या मैं ना पढ़ रही हो? खूब पढ़ो, कम से कम तुम तो घर का नाम रोशन करो, मुझसे तो कुछ हुआ नहीं अब तक। समय पे कोई उठे तो पता चले जिंदगी का। तेरे से दिमाग खराब करना ही बेकार है। ए माँ तुम्हारी पूजा हुई कि नहीं? सर भारी हो गया, जरा नींबू पानी देना। मेरा बेटा कितना समझदार है, सब लोग सुबह चाय कॉफी मांगते पर तू नींबू पानी मांग रहा है। कॉफी चाय पीने की उम्र से बहुत आगे बढ़ गया है तेरा बेटा, रात की उतरी नहीं इसीलिए नींबू पानी मांग रहा है। तू क्यों मुंह झुकाता है? तुझे पैदा किया ना इसीलिए आजकल शर्म से मेरा ही सर झुक रहा है। कल रात तो सुभाष के घर में क्या लफड़ा था बता? आपसे किसने बोला? तो क्या दोबारा परेशान करोगे? तुम्हारे डर से रात भर दरवाजा खोल के सोए थे और जानते हो उसी कारण घर में डाका पड़ा। उसके घर में कौन सा कीमती सामान है जो डकैत उठा के ले जाते हैं? कितने दिन इस तरह बेरोजगार घूमता रहेगा? कोई मुझे रोजगार ना। डैडी। हाँ बेटी। मैंने अपनी सहेलियों को घर पे पढ़ने के लिए बुलाया मगर इसके डर से कोई आने के लिए राजी नहीं हुई। मैंने क्या किया भाई? वो बोलती है तुम उन्हें घूरते हो। हाँ वो बहुत बड़ी अप्सराएं हैं जो मैं उन्हें घूरूंगा, चुपचाप पढ़ो। तुम्हारी शक्ल तुम्हारे कपड़े देख के शर्म आती मुझे। वैसे आप भी तो बचपन में ऐसे ही थे, फिर मुझे क्यों डांट रहे हैं? तुम्हारी फजूल बातों का जवाब नहीं है मेरे लेकिन पास। मुझे करना है। दिल में क्या है वो तो पता चले। देखो इस तरह रोड रूमियों की तरह घूमोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं पाल सकता। जल्द ही मेरे हाथ की रेखाएं कोई चमत्कार करने वाली है, शनि देव ने अपना प्रभाव कम कर दिया और शुक्र हर तरफ से मेरे काबू में आता जा रहा, देखना कितना जल्दी बड़ा आदमी बन जाऊंगा। 2% के जगदम्बा चौधरी ने बताया ना। ज्योतिषी को ऐसे मत डांटिए, वो आपके लिए ठीक नहीं है। अब छोड़िए बिना, अपना अपना विश्वास है। वैसे शनिदेव का प्रभाव खत्म कब होगा? मेरे ऊपर जाने जब गुरु बीच में दाखिल होगा। और गुरु बीच में कब दाखिल होगा? अरे माँ ये मैं क्या जानू, ये तो मेरे गुरुदेव चौधरी बताएंगे। डैडी इसके लिए जरा 1,000 रुपए तो दीजिए। जवान बेटी को अधिक पढ़ाना और तेरे जैसी निकम्मी औलाद को घर में बिठा के पालना, छी क्या करूं मेरी किस्मत ही ऐसी है। माँ तुम इनकी बात का बोला, गुस्से में बोलते हैं लेकिन भगवान है। अरे ओ शनिदेव मेरा दुखों भरा रास्ता कब साफ करोगे? तो बेटा अब हम क्या करें? तो अभी तो डैडी से 1,000 रुपए मांग रहा था, तुम्हारे पास है तो दे दो ना। अरे मेरे पास भी तो नहीं। मुझे किसी से ना सुनने की आदत नहीं है, मजबूरी है। इडियट। ए सुरेश। हाँ बॉल लेकर आ। अभी लाया, सॉरी दोस्त। बॉल दे। बास्केटबॉल हम जैसे लोग खेले तो बात बनती है मगर तुम गवार क्या जाने इस खेल को। हाँ ये ले, ये ले। मारू मैं क्या कर लेगा? ए, लड़कियों के सामने पोज मारता क्या? हाँ? चल तेरे को ये मारता। वाव लड़कियों के सामने देखो कैसे मस्ती कर रहा है वो। बास्केटबॉल हम जैसों का खेल है, तुम जैसे लफंगों का खेल नहीं है बोल रहा है वो। अरे इससे पहले भी 2-3 बार इसने हर बात पर टांग अड़ाई और हमें मारा भी है, इसे छोड़ना मत, इसका कुछ ना कुछ करना होगा। Thank you.
लड़कियां तो हमेशा चोट लगने पर ओहो कहेंगी, पर तुम लोग किसी को मारने से हंसते हो। जो मारते है वो तुम्हारी नजर में हीरो है। अब मैं इसे अगर खूब मारूंगा तो मैं हीरो बन जाऊंगा। बन जाऊंगा हीरो, बोलो ना। अरे इतना क्यों उछलते हो, मुझे भी एक चांस दो ना। असल में तेरे लिए आया हूँ मैं। मेरे दोस्त का बैकग्राउंड न जानते हो, उस पे हाथ उठाया, अब तुम्हारी समझ में सब आ जाएगा। उसका बैकग्राउंड छोड़ो, वैसे तेरा बैकग्राउंड क्या है? वैसे कोई खास बैकग्राउंड नहीं है मेरा, मैं जहाँ खड़ा रहता हूँ ना वही मेरा ग्राउंड। इतनी बड़ी तोप है, नहीं जानता। क्या हुआ, मेरे आदमी को मारा तब भी वाओ कहा था? ऐसा ही होगा। इसने जब तुझे मारा था तब कैसा लगा था? कूटने का मन किया था। तो कूटो इसे। बाप रे। कूटो। अरे तेरी तो लड़कों के सामने बहुत फल रहा था तू। और जोर से बोल। अरे इस तरह मारने से क्या होगा? इसकी तो एक्सरसाइज वाली बॉडी है। हटो बताता हूँ। ऐसा मारोगे अगर हमसे टकराएगा तो तेरा यही हाल होगा। पूरे हिंदुस्तान में सबको नौकरी मिल रही है, एक हमें छोड़ के। अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोले कोई नौकरी दिलाएं क्या? हम ऐसा वैसा काम नहीं करते, बीए किया है हमने। मैं हूँ। क्या झटका दिया है? वाह क्या माल है बे। विक्की क्या हुआ यार? माथा गरम हो गया बाप रे। नहीं है तू बंदूक की गोली है, तुझ पे मरने चली मजनू की टोली है। लगाए है तू आग लगाए है तू, तेरे पीछे पीछे डोले यहाँ हर कोई। नहीं मैं बंदूक की गोली गोली मुझ पे मरने चली मजनू की डोली। हे सबको
रतियां जगाए नहीं सोने दे कभी, अरे रतियां जगाए नहीं सोने दे कभी। होश उड़ा दी जाऊं, दिल धड़का दी जाऊं, आग लगा दी जाऊं, मेरे पीछे पीछे डोले यहाँ हर कोई। लड़की नहीं है तू बंदूक की गोली है, तुझ पे मरने चली मजनू की टोली है। लड़की नहीं मैं बंदूक की गोली, अरे मुझ पे मरने चली मजनू की टोली है। सबको लुभाने वाली, हर नखरे दिखाने वाली है, सबको लुभाने वाली, नखरे दिखाने वाली, दिल को चुराने वाली। चमक छल्लो, अरे लचके कमरिया ऐसे छलके गगरिया जैसे, नींदे उड़ाने वाली। चमक छल्लो, अरे ऐसे न मटको, अरे ऐसे न भटको, दिल चीज क्या है चाहे मेरी जान भी ले लो। लड़की नहीं है तू बंदूक की गोली है, तुझ पे मरने चली मजनू की टोली है। भाई कहीं आंखें बंद करके सो तो नहीं रहा है? ध्यान कर रहे हैं, आंख बंद करके ऊपर कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अरे बाप रे। बेटा राम प्रसाद, देखो तुम्हें सत्य बताते हुए हमें दुख हो रहा है, परंतु बताना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वो सत्य है। इसलिए करेक्ट सर, करेक्ट। क्या है वो सच? जब तुम 40 साल के हो जाओगे तो तुम्हें बहुत कष्ट होंगे गुरुजी। वो भी साधारण कष्ट नहीं, बहुत असाधारण कष्ट। उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा बहुत खाना मिल भी जाएगा तो वो भी तुम्हारे मुंह में पहुंचने से पहले किसी का हाथ या पैर लग के मिट्टी में मिल जाएगा। ओह, तुम भूख से तड़पते हुए धूप में कहीं उधार मांगने जाओगे तो वहां तुम्हें ताला लगा हुआ मिलेगा। अब इसके आगे की सच्चाई बताता हूँ तुम्हें, तुम्हारी दरिद्रता को बर्दाश्त न करते हुए तुम्हारी पत्नी तुम्हें छोड़कर भाग जाएगी। वो अकेली जाएगी किसी और के साथ? इसकी बुरी दशा का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए बेटा। सॉरी सर। ये सत्य है राम प्रसाद, तुम्हें 40 साल के पश्चात नरक जैसा जीवन भुगतना पड़ेगा। 40 साल के बाद आदत पड़ जाएगी। अब तुम जा सकते हो। क्यों भाई विकी शेरावत, तुम तो ठीक हो ना? आपने बुलाया था। तुम्हें एक शुभ समाचार सुनाने के लिए बुलाया है। क्या है गुरुजी? तुम्हारी शुक्र की महादशा शुरू होने वाली है। अच्छा, तो शनिश्वर साइड हो गया? ऑलमोस्ट हो गया समझो। बेटा तुम टोपी पहनने वाली नौकरी भी कर सकते हो। अब तक तो हम सबको टोपी पहनाते रहे, लेकिन हमें खुद टोपी पहननी होगी ऐसा कभी नहीं सोचा था गुरुजी। यही तो ज्ञान है। वैसे वॉचमैन से लेकर पुलिस कांस्टेबल तक सभी सिर पर टोपी पहनते हैं, तो कौन सी नौकरी मिलेगी? सब इंस्पेक्टर भी तो टोपी पहनते हैं, नहीं मालूम? मतलब हमारी पढ़ाई के हिसाब से ऐसा की नौकरी मिल सकती है? जब ग्रह ऊंचाई पर हो तो पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना, ABCD पढ़ना ही काफी है। तुम्हारी जिंदगी जरूर विचित्र मोड़ लेगी। तुम्हारे बहुत सारे फॉलोअर्स होंगे, तुम बहुत फेमस हो जाओगे। सुनने में कितना अच्छा लगता है। अब हमें क्या करना चाहिए बताइए ना? कुछ मत करो, वेट करो। तकदीर अपने आप ढूंढते हुए तुम्हारे घर पर दस्तक देगी, तब तक थोड़ा वेट करो। वेट करते करते वेट भी बढ़ गया है, लेकिन कोई बात नहीं, वेट करेंगे हम। तब तक कहीं से कुछ उधार लेके ही पी लेंगे हम। उधार से याद आया, उधार पर आपकी क्या राय है गुरु? ये कहाँ गए? कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हारे लिए, यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, हमारा टाइम बदल गया है। कोई उधार देने के लिए तैयार है? नहीं यार, नौकरी के लिए बुलाया है। हाँ? गुरुजी, सुना तुमने, चौधरी साहब ने सच कहा, शुक्र महादशा प्रारंभ हो गई। कौन है वो महान आदमी? नमस्ते जी। नमस्ते। वही है जिसके बारे में मैंने बोला। आहा, ये तो पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज चलता आ रहा है। चलो मिलते हैं इसे। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर यही मेरे फ्रेंड्स हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। भगवान जी यही हैं। आहा, नाम में ही भगवान है। मुझ में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग होती है। दरअसल तुम सब इंडियन या चाइनीज? इंडियन है सर, हमारे फेस से पता नहीं चलता। बड़े उस्ताद लगते हो तुम लोग। कहने का मतलब इंडियन रेस्टोरेंट या चाइनीज रेस्टोरेंट? हाँ, मैं ओपनली डिस्कस नहीं करता, वहीं जाके करूंगा। नाम पूछ के डिस्कशन शुरू करना चाहिए, ये तो होटल के बारे में बोल रहा है। बालक कुछ फील कर रहा है। जैसे आपकी मर्जी सर। फर्स्ट हम चाइनीज रेस्टोरेंट जाएंगे, नेक्स्ट वहाँ जाके डिसाइड करेंगे। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम हाथों से भी खा सकते हो। मैं तो जनरली चाइनीज ही प्रेफर करता हूँ, उसमें फैट कंटेंट कम होता है। कल से हम लोग भी यही फॉलो करेंगे। दरअसल तुम्हें स्टील प्लांट में या शिप यार्ड में या एशियार्ड में चाहिए या बंक में चाहिए? बंक? HPCL वाला? HPCL मतलब? ये सब किस लिए किया? नौकरी करने के लिए। तुम्हें किसमें चाहिए बोलो? अरे बाप रे, ये बंक का मतलब ऑफिस है क्या? मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। वाला आदमी सच कह रहे। अरे ये क्या डिस्कशन में लगे हो तुम लोग? हमको इतने ऑप्शंस मिलेंगे सोचा नहीं था, आपने सडनली ये बंक कहा तो सोचने में थोड़ा टाइम लग रहा है।
जेसी साहब टोपी वाली नौकरी की बात कर रहे थे ना। वैसे इसमें कोई टोपी पहनने वाली नौकरी है? सब में होती है, देखो इस होटल में भी टोपी वाले हैं। वॉचमैन की नौकरी चाहिए क्या? जी, आप कौन सी नौकरी की बात कर रहे हैं? मैं जो बोल रहा हूँ टोपी पहनने वाली नौकरी नहीं है, टाई बांधने वाली। लेकिन टाई बांधना तो हमें नहीं आता सर। वो तो बांध देंगे। वैसे आपको जीएम वाली चाहिए या एजीएम वाली चाहिए? अरे देखो कुछ बोल रहा है। जीएम की पोस्ट कह रहे हैं, अच्छी होगी ना? कहते हैं बेटर है, थोड़ी बड़ी नौकरी है, एजीएम ही दिलवाइए। सोच रहा था तुम भी यही कहोगे। जीएम मतलब जनरल मैनेजर, एजीएम मतलब असिस्टेंट जनरल मैनेजर। ओह हमें जीएम ही चाहिए। अच्छा बताइए भगवान जी, इस नौकरी में टोपी पहन के जा सकते हैं ना? जैसे चाहे वैसे जा सकते हो। तो फिर मुझे बंक में दिलाइए, मुझे स्टील प्लांट में। मुझे बंक की नौकरी मिल जाए तो। कंफ्यूज मत करो इन्हें, सबको एक जगह नौकरी दिलाइए, मिलकर काम करेंगे। तनख्वाह कितनी है सर? 30,000 रुपीस, यानी पूरे 40,000। सूद कितना? उधार नहीं यार, तुम्हारी तनख्वाह। यानी वापस नहीं देना होगा? लगता है फ्रस्ट्रेशन में है। जी हाँ। तुम वापस दोगे तो भी नहीं लेंगे। मजाक कर रहा था। इतना ही नहीं, महीने में ग्रेजुएटी पीएफ सीएफ वगैरह। बीएफ भी सर। क्यों तुम्हें ऐड करना है उसमें? भगवान जी आप ये सब क्यों कर रहे हो? मुफ्त में कुछ नहीं है। देखो मैं भला इंसान हूँ, मगर मेरी कार पेट्रोल के बिना आगे नहीं पड़ेगी, मुझे औरों को भी देना पड़ता है ना। इधर देखो, इसीलिए तो मैं एक नौकरी का 1,00,000 लेता हूँ। हमारे गेटअप को देख के आपको गलत फहमी हुई है। हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है भाई, हम चारों को मिला के 1,00,000 देंगे। तुम्हारी दुर्दशा समझता हूँ, बस चारों मिलके मुझे 1,00,000 रुपया दे दो चलेगा। मुझे तुम पर भरोसा नहीं, खासकर पैसों के मामले में। आपका इस तरह बोलना ठीक नहीं है। जेसी साहब की सिफारिश से शनिदेव भी साइड हो गए, शुक्र महादशा शुरू हो गई, नौकरी अपने आप ढूंढते हुए आ गई है। इससे ज्यादा क्या होना चाहिए? स्टील प्लांट में जीएम या पोर्ट में एजीएम, तनख्वाह 35,000, हर महीने प्रमोशन, सीएफए, डीएफए, पीएफए, बीएफए, सब कुछ तुम्हारी इस पढ़ाई को देख के। अरे आप भी ना, इसका पढ़ाई से संबंध नहीं है। मैंने बोला था ना शुक्र महादशा, उसके हम पर दया सोचिए, इफेक्ट बहुत बढ़िया है। आजकल के जमाने में भी ये ग्रह दशा वगैरह। ओफो आप भी ना, इसकी बात हमेशा टाल देते हैं। वैसे भी कितना खर्चा किया है इसकी पढ़ाई पर आपने? अरे माँ तुम बिना वजह पिताजी को मत चढ़ाओ। चुप कर, तेरी पढ़ाई में खर्चा तो हुआ है, और 25,000 दे दीजिए तो इसकी जिंदगी सवर जाएगी। अरे इतना क्या सोचने लगे आप? माँ मुझे नौकरी मिलते ही तुम सबको भी स्टील प्लांट में शिफ्ट कर दूंगा। ओके बोलो सच है क्या? पिताजी आपको मुझ पर शक है तो मत दीजिए। ठीक है, अभी तुरंत इतना पैसा देना मुश्किल है, अपना काइनेटिक होंडा बेचना पड़ेगा। मुझे मालूम था आप यही निर्णय लेंगे, तभी तो पार्टी भी साथ लेके आया हूँ, बाहर वेटिंग में है। हाँ नॉट बहुत गिन रहे हैं, कोई टेंशन तो नहीं। ये लो भगवान जी, तुम लोगों से मेरी नहीं बनेगी, तुम लोग काफी तेज हो। हम दिखते हैं ऐसे लेकिन ऐसे हैं नहीं, बहुत शरीफ हैं। इनो ये क्या पूरे हैं? 5,000 रुपए कम। ये बात मुझे पहले बचा देते तो कितना अच्छा होता है, ये तो धोखा है। वैसे बहुत जल्दी में इंतजाम किया जी, हमारे हालात के बारे में तो सोचिए। तुम्हारी प्रॉब्लम से मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारी वजह से पहले से मुझे 3,00,000 का नुकसान हुआ है। आपका फेस गुस्से में अच्छा नहीं लगता, अपनी चेन देना भाई, जल्दी देना भाई, इनको गुस्सा आ गया तो। ये लीजिए भगवान जी, आपका गुस्सा कम हुआ ना? मुझे गुस्सा थोड़ी ना आता है विकी, वैसे मुझे धोखे से सख्त नफरत है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ये सब छोड़िए, आइंदा गलती नहीं होगी। हमें कब ज्वाइन होना है नौकरी पर? नए कपड़े जो खरीदने हैं। आप अपने काम कर लीजिए, सुबह मंदिर जाकर ठीक 9:30 वही परसों जहाँ आए थे उसी ऑफिस में आ जाइए, आपके अपॉइंटमेंट लेटर्स रेडी होंगे। 8:30 को ही पहुंच जाएंगे। इतनी जल्दी आओगे तो दरवाजा नहीं खोलेंगे, आपका एग्जाइनमेंट में समझता हूँ। आज तक बिना काम के रुकी ये जिंदगी अब तेज रफ्तार से दौड़ने लगेगी, समझ लो। कौन? भगवान साहब। आप कौन? उनके क्लोज फ्रेंड्स हैं। क्या ये बात है, अंदर आओ। चलो सर, ये अपने आप को भगवान के क्लोज फ्रेंड्स बोलते हैं। ठीक है तुम जाओ, मैं बात करता हूँ। ओके सर। तुम सब भगवान के दोस्त हो ना? बिल्कुल, उनका दोस्त होना बड़े गौरव की बात है। ठीक है, कैसे आना हुआ? और क्या, हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स कलेक्ट करने आए, आज गुरु पूर्णिमा है, बहुत अच्छा दिन है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर कैसा? तुमको जो मिलना था शायद नहीं मिला है। ओ क्या, अनजान मत बनिए, हम लोगों ने 25,000 दिए हैं, भगवान जी हेल्पिंग नेचर के हैं, तभी तो इतने कम रेट में मान गए। वैसे ये ऑफिस क्या है तुम जानते हो? हमें जानने की जरूरत नहीं है, बस लेटर्स दीजिए। वैसे बताना तो हमारा फर्ज है, एंटी करप्शन ब्यूरो, यानी रिश्वत और चोरों को पकड़ने वाले। रिश्वत लेना ही नहीं बल्कि देना भी अपराध है। तुम्हारा भगवान 420 है। मेरे बाप को जितनी गालियां आती थी सब झेलनी पड़ी मुझे। आज तक मुझको मेरे बाप ने भी कभी नहीं मारा था, कल उन्होंने मुझ पर हाथ उठाने का जुर्म किया, फर्स्ट टाइम मेरी इतनी बेइज्जती हुई। उसके 5,000 कम हुए तो मेरी गोल्ड चोरा लेंगे। ये सब वो यहीं कहीं मिलेगा, मेरे दोस्त ने बोला है। अरे वो कहाँ मिलेगा? जैसी चाहो नौकरी लो, बंक में चाहिए, स्टील प्लांट में चाहिए, या फिर शिपयार्ड में चाहिए, बताओ। यानी जहाँ कहेंगे वहीं दिला देंगे आप? जहाँ कहोगे वहाँ, जैसी चाहोगे वैसी नौकरी दिलाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एशियाड में चाहिए क्या? वहाँ तो गेम्स होते हैं। हाँ स्पोर्ट्स कोटा भी है यार। क्या हुआ नौकरी सर? नौकरी दिलाओ बोल के पीछा कर रहे हैं, तुम बाद में फोन करना। हाँ पकड़ा।
बिल्कुल भगवान तेरी तो रुको। अरे वो भाग तुम चारों सेलेक्ट हो गए हो किसके लिए एसआई सिलेक्शन में तुमने फिजिकल टेस्ट पास कर लिया है हम पास हो गए लेकिन हमने अप्लाई नहीं किया अप्लाई नहीं किया हाथ मत छोड़ना सर नहीं तो पैर पकड़ लेंगे बड़ी मुश्किल से मौका मिला है ठीक है तुम सब डिग्री तो पास हो गए ओके तब तो अप्लाई कीजिए मैं मैनेज करता हूँ थैंक यू सर तुम रिटन टेस्ट की तैयारी करो ठीक है सर ऑल द बेस्ट अरे ऐसी परीक्षा में जवाब तो एबीसीडी टाइप के होते हैं हर एक प्रश्न के चार में से एक को टिक करना होता है अरे करेक्ट कौन से हमें नहीं मालूम ना तुम एबीसीडी तो जानते हो ना जानता हूँ तो फिर आके बंद करके चार में से कोई एक को टिक लगाते जाओ अपनी किस्मत बढ़िया हुई तो आंसर्स करेक्ट होंगे पास हो जाएंगे इंस्पेक्टर भी बन जाएंगे अरे एबीसीडी आने से ऐसा ही बन जाएंगे पहले पता होता तो इतनी मेहनत करके ग्रेजुएशन नहीं करते बेकार में चलो शुरू करते हैं तेरा इष्ट देव कौन है जय बजरंगबली ए लिखो तेरा प्रिय नेता कौन है आज भाई एबीसीडी में होना चाहिए नेशनल लेवल नहीं स्टेट लेवल में बोल स्टेट का हो तो चौन साहब सी लिखो तेरा प्रिय क्रिकेटर कौन है मिस्टर डिफेंडेबल वो कौन है वो तुमको क्रिकेट नहीं आवर है विज्ञान प्रदर्शन मत करो द्रविड़ द्रविड़ लिखो लिखा ना तेरा प्रिय हीरो कौन है अमिताभ अमर अकबर एंथनी वाला डिटेल्स मत बोलो डी लिखो हो गया ना सब लोग इसे ही फॉलो करो रात को एबीसीडी याद करो सबको यही आंसर्स लिखने होंगे डूबेंगे तो सब मिलकर डूबेंगे कहते हैं गुरुवार के दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के लिखने से अच्छा होता है चौधरी साहब ने भी बोला था अपनी कोशिश हम करेंगे बाकी सिद्धि विनायक पर छोड़ देंगे उनको भी थोड़ा काम करने दो इतनी जल्दी जा रहे हैं आप लोग हमने भगवान पे भरोसा किया इसलिए फास्ट ये खुद पर भरोसा करते हैं इसलिए लेट मैं समझा नहीं हमारा अरिथमेटिक समझेंगे तो हार्ट अटैक आएगा चलते हैं ए हमने जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो गया देखिए हमने जो हमारा काम हो गया है यार सुबह सुबह मूड क्यों खराब कर रहे हैं बोलो क्या हुआ तेरा भाग खुल गया तू एसआई ट्रेनिंग में सेलेक्ट हो गया सच पिताजी भरोसा नहीं हो रहा सगे बाप को भरोसा नहीं लेकिन उनको हो गया बेटा मुंह खोलो रुको माँ उसने अभी मुंह नहीं धोया इसे इन सब की आदत है तो खिला इसे माँ मुझे बहुत खुशी हुई है इस खुशी को पहले चौधरी साहब को सुनानी होगी ओए कोई भी खुशी अपने माँ बाप के साथ या लोग अपनी बीवी के साथ बांटते हैं लेकिन तुम तो उस ढोंगी पे भरोसा करते हो पिताजी मैंने आपको कितनी बार कहा उन्हें कुछ मत कहिए आज इस पोजीशन पे पहुंचा हूं उसका कारण वही है जगदम्ब चौधरी भगवान समान है और उसके वही पैर पकड़ लो स्वामी बच्चों आप मामूली मनुष्य नहीं है स्वामी टोपी पहनने वाली नौकरी कहा था आपने वैसा ही हुआ ना एबीसीडी जानना काफी है आपने आखिर में उसी से नौकरी मिली हमें इसमें मेरा क्या है तुम्हारे ग्रहों की मूवमेंट ही ऐसी ऐसा है। मत बोलिए उन ग्रहों को उस तरह घुमाना आप ही का चमत्कार है विक्की इस सफर में तुम्हें एक और तोहफा मिलने वाला है ये सब लोग ट्रेन एक्सीडेंट में मरेंगे क्या स्वामी बिल्कुल नहीं इस सफर में तुम्हारा परिचय एक अति सुंदर कन्या से होगा और वो परिचय आगे बढ़ेगा फिर वो तुम्हें विवाह तक ले जाएगा स्वामी हमारी पोजीशन खराब थी तो सब लेडीज हम पे बहुत चीप कमेंट्स करती थी लेकिन आपकी ये बात तो सोने पे सुहागा है और हमारा क्या होगा तुम लोगों को कुछ और दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा अभी कोई जल्दी नहीं है जी हम सब चलते हैं मोबाइल पे बात करेंगे शुभम
कोई सुन तो क्या है? सुलोचना रानी, वो एक पूरा कंपार्टमेंट लड़कियों से भरा है। तुम जरा रुको, मैं एक फोन करता हूँ। आउटगोइंग करने से मना किया डैडी ने। हेलो, हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं, किस बोगी में चढ़े बताएंगे तो जरा अच्छा होगा। आज तो गुरुवार की पंचमी है, यानी मकर और गुरु सिंह के स्थान पर जंप कर रहे हैं। कोई ऑड नंबर की बोगी में बैठ जाओ। औरत? नंबरों में भी मर्द औरत होता है गुरुजी? औरत नंबर नहीं भाई, ऑड नंबर, विषम संख्या। समझ गया, गुस्सा मत कीजिए गुरुजी, यहाँ चार नंबर और सात नंबर है, सात तो इवन होता है इसीलिए चार में ही चढ़ेंगे। चार नहीं, सात नंबर ऑड होता है विक्की। मालूम है, सेफ्टी के लिए पूछा। अच्छा बताइए किस साइड में बैठूं मैं? तेरी राशि के हिसाब से ईशान्य भाग में बैठना ठीक रहेगा। सुन बे, इसमें नहीं चढ़ना है, चलो। कहा दिया ना चले जाओ यहाँ से, अभी तक काहे खड़े हो? ये बात है, उसे दे दिया, मुझे नहीं दिया सर। उसका फेस हमको पसंद आया, तुम्हारा फेस पसंद नहीं आया। चलो नागराज, इसी को पसंद कीजिए ना सर, प्लीज सर। जाओ यहाँ से, चलो। नमस्ते भाई नागराज जी। नमस्ते, तू हमको कैसे जानता है? जानते हो भाई, कमाल है सर, निपन नागराज जाने गोदावरी एक्सप्रेस हिल जाती है आपके नाम से। हाँ? क्या बढ़िया नाम है, अरे यही है वो। हाँ, नमस्ते नमस्ते, एक पोज आपके साथ प्लीज। स्टडी फोटो तो बढ़िया आया है ना, एक कॉपी हमको भी देना। कहाँ जाओगे भैया? मुंबई तक। और हमरा सर जाओगे, बर्थ नहीं है। इसलिए तो आपके पास आए, आप जहाँ बैठने को कहेंगे बैठ जाएंगे। एस फोर में बैठिए, S7 में नहीं हो सकता। हमारे जैसी गुरुजी ने कहा है। टीसी हम, हमारी बात मानोगे? गोघन चक्कर जैसी की बात मानोगे? गोघन चक्कर नहीं है जी, गोदावरी एक्सप्रेस में आप जितने पावरफुल हैं, शोलापुर में उतने ही फेमस हैं, वहीं सेटल हुए, बहुत ज्ञानी पंडित हैं। वो जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है, एक बार आपको भी लेके जाऊंगा। ठीक है सर, बैठो, हम ट्राई करता हूँ। आपने ट्राई किया बोला, इसका मतलब श्योर ओके हो जाएगा। बहुत होशियार हो तुम, जाओ बैठो। चाचा जी, इस बोगी का ईशान्य भाग कहाँ होगा? इस लेटरिन में बैठा। अब क्या हो गया विकी? कुछ नहीं गुरुजी, आपने तो ईशान्य भाग में बैठने को कहा था, बात बाथरूम है, अब हम क्या करें? ठीक है, बीच बीच में वहाँ जाकर बैठते रहो, बाकी समय पूरब की तरफ फेस करके बैठो, ग्रहों में कंप्रोमाइज हो जाएगा। ए, शराब की बोतल संभालना, हम पुलिस में भर्ती होने वाले, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, पहले से डिपार्टमेंट बहुत कमजोर है। ये लड़की क्या, चीची ये नहीं हो सकता। Do you all have reservation tickets? Hey, तुमसे कुछ कह रही है? टीसी नागराज जी ने कहा। टिकट कलेक्टर नागराज टेली। सुन, चौधरी साहब ने बताई लड़की यही तो नहीं? जी, चौधरी साहब ने खूबसूरत कन्या बोला था, ये तो ओवर बेल बॉटम है, ये नहीं है, वो आने वाली है। एक्सक्यूज मी, कौन है? तुम्हारा नंबर कौन सा? तुम टीसी हो? पैसेंजर हूँ। तो हम भी पैसेंजर है। That's what I am asking. What is your seat number? हमारे सीट नंबर से तुम्हें क्या लेना? अरे ये सीट मेरी है। बैठो ना। हाँ बैठो, हाँ बैठो, बैठो भैया, बैठो बैठो। आई एम गणेशा फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, CEO सोनी सॉल्यूशंस। आई एम विकी शेरावत फ्रॉम इंडिया। सर मैं तो कैजुअली पूछ रहा हूँ, आपके बर्थ नंबर क्या है? डिसाइड नहीं किया हमने। पर डिसाइड क्यों नहीं किया? टीसी साहब ने डिसाइड नहीं किया, इसलिए हमने भी नहीं किया। जैसे हमें पता चलेगा पहले तुम्हें बताएंगे, ठीक है? हटा हटा, कौन है बे? हटा, अरे क्या बोल रहा है? गिव रिस्पेक्ट, टेक रिस्पेक्ट। सुनो जी, ये मेरा बर्थ है, यहाँ के बैठे, उठो उठो। अरे फटाफट हट, हट यहाँ से, चिल्लाते हो? अरे हाथ तो बैठ। सर सर सर, कूल डाउन कूल डाउन। अरे बीच में ट्रैफिक जाम था तभी तो लेट हो गया मैं। सर आपका तो रिजर्वेशन है, कभी भी आ सकते हो। हाँ? लेकिन जिनका नहीं है उनका क्या, जहाँ देखो चढ़ जाते हैं, जहाँ मर्जी आए बैठ जाते हैं, है ना? हाँ भाई सही फरमाया, आपका रिजर्वेशन है ना। ये क्या सर ऐसी बात बोल दी? 20 days बैक रिजर्वेशन करवाया था सर। देखो मेरा प्लान प्रोग्राम होता है, कहीं भी बिना रिजर्वेशन के नहीं जाता। बाय द वे मेरे बारे में आपको पता नहीं, आई एम गणेश फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी, आई एम ब्रोकर सूरज भान, शादी का ब्रोकर हूँ। अरे विकी, हाँ? चल वहाँ चलते हैं, मस्त आंटी बैठी है, मजा आएगा। हाँ? इन बेकारों को समय क्या लेने? नहीं यार तुम जाओ, वो कभी भी आ सकती है। जाओ जाओ, बैठ लगे तेरा। आओ यार तुम आ जाओ, मस्त है। कर गया रे आंटी नंबर वन, 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 बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। मम्मी, अबे ये कहाँ से आ गया? डैडी ने मुझे कोक नहीं दिलाई मम्मी। छोटे बच्चों को ये कोल्ड्रिंक वगैरह नहीं पीना चाहिए, कहा ना? नहीं, उससे मुझे कुछ नहीं होता मम्मी, कोक। अरे कहा ना बच्चे कोल्ड्रिंक वगैरह नहीं पीते, मुझे भी वो कोक चाहिए। देखो बेटा तुम्हारी डैडी ठीक कहा, ये बच्चों को नहीं पीनी चाहिए। तो फिर आप क्यों पी रहे हो? क्या है कि हम तो बड़े हैं। बच्चा मांग रहा है तो बेकार के बहाने छोड़कर उसे देते क्यों नहीं? ये बात नहीं, अरे 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 बच्चों को नहीं पीनी चाहिए।
अरे बच्चे को दिखा के पी रहे हो कोल्ड ड्रिंक, तुम इंसान हो या राक्षस? अरे वो पिएगा तो राक्षस बन जाएगा। साथ में खाने को भी दो ना। ये लो सर जी। मजेदार चिकन हो तो मजा आएगा। अरे बाप रे, अगला स्टेशन भी आ गया। वो आएगी या नहीं? जेसी साहब ने तो कहा था कि वो जरूर आएगी, क्यों नहीं आई अब तक? मैं कौन हूँ आप बाद में जान लेंगे। घबराइए मत, हम सफर हूँ आपका। लाइए लगेज मुझे दीजिए। दीजिए दीजिए, हाथ दीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरा बैग। आपका बर्थ नंबर क्या है? 52। आइए 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 आइए। ब्रोकर जी पैर हटाइए। अरे आपने नंबर क्या बताया? 52। आइए। ए आप इंग्लिश बहुत बोलते हैं, आप अपनी सीट पर जाके बैठो। चलो आइए आइए, बैठ बैठिए, आराम से बैठिए ना। तुमने देखा उस मैडम को? देखते ही कैसे लाल टपका रहा है ये। करने दो, इस चमचागिरी से कुछ नहीं होने वाला। और क्या? गोदावरी से आज ही निकल रहे हैं। यस 7, बर्थ नंबर 52 53। ओह, ट्रेन स्टार्ट हो गई। पिताजी नहीं आए। क्या अंकल नहीं आए? बेटा श्वेता, मैं आ रहा हूँ। अरे टेंशन मत लीजिए, ऐसे वक्त में शांति से काम लेना चाहिए। एक मिनट। क्या कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी? इंग्लिश के टीचर हैं। मैंने ये नहीं पूछा बेटी, ट्रेन में क्यों नहीं चढ़े, बाहर क्या कर रहे हैं? 52 श्वेता, 53 प्रकाश जी, मतलब ससुर जी मेरे। हाँ आइए आइए आइए, लाइए मुझे अंदर। थैंक यू। आइए आइए, धीरे से। थैंक यू। आइए सर आइए। अरे हटाइए, हटाइए। ये यात्री है ये कोली? आइए। अरे हटो ना, हटो, बैठ जाइए सब अपने, बैठ जाइए। थैंक यू। आपके लिए श्वेता जी बहुत परेशान हो गई। तुम मेरी बेटी को जानते हो क्या? नहीं तो, लेकिन मैं उनका नाम जानता हूँ प्रकाश साहब। अरे मेरा नाम भी तुम जानते हो? घबराइए मत सर, चार्ट में देखा था मैंने। कौन है वो? कौन है वो? किसने यहाँ पर चेन खींचा? दिस गाय। हे गाय कहेगी तो गाल लाल कर दूंगा। तुमने चेन खींचा तोरे पे भरोसा करके? नागराज साहब आप तो ऐसे परेशान हो रहे हैं जैसे आपकी बीवी के गले से चेन उतारी। अजी बड़े बुजुर्ग बाहर रह गए इसलिए चेन खींचनी पड़ी सर। मेरे पिताजी के लिए खींची थी। कुछ भी कहो लेकिन फाइन तो भरना पड़ेगा, नहीं तो हमको भरना पड़ेगा। ये बात नहीं है सर। श्वेता जी मैंने एक अच्छे काम के लिए चेन खींची थी, मैं भर दूंगा। नहीं, फाइन नहीं, मैं भरूंगा। अरे आप क्यों परेशान होते हैं, चलिए उसे भरने दीजिए। ब्रोकर जी प्लीज। ये बात नहीं है। तुम चुप रहो बेटी, बेचारा मत कहो इसे। अब तो सिर्फ चेन खींची है, रात को गले की चेन खींचेगा तो हु इज रिस्पांसिबल फॉर इट? किसकी रिस्पांसिबिलिटी? देखिए मेरी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए, लीजिए नागराज जी। ड्यूटी के खातिर लेना ही पड़ेगा हमारे फ्रेंड, हमको माफ करना। मुझे चाहिए। ऐसे नहीं सताते बेटे, ये नहीं पीते। डैडी जो लाएंगे वो पीना, बगल वालों का कोक नहीं पीना चाहिए। परेशानी है भाई सर, हमारा कोल्ड ड्रिंक पीने की जिद कर रहा है वो। अरे बच्चा मांग रहा है तो दे दो। ये बात नहीं है सर, यही कोक मांग रहा है, अपनी कोक नहीं पीता वो। चल जा, मुझे वही कोक चाहिए। बुरा मत मानिए बच्चा। अरे तो क्या हुआ, ये बोतल से वो बोतल बदल लो, बदल लो। मिलावट है सर। अरे ये जरा बच्चों के लिए ठीक नहीं है। मिलावट है, जरा दिखाओ तो दिखाओ। अरे मुझे रम है ये तो
इसको पता लग गया फिर पी जाएगा। मैं तुम्हें ले लाया हूं ना ठंडा स्ट्रांग का है बनाया बे। बीच-बीच में आके पीता रहूंगा, संभाल के रखना। ठीक है सर। पूरा खत्म नहीं करना, नहीं तो उतार दूंगा। हाँ हाँ सर ठीक है। चुपचाप पी लो इसको। चल फूट। मुझे बेटी श्वेता मेरे सर में दर्द हो रहा है, हो जाता हूँ। अरे बात पर कुछ नहीं जाने दो, उन्हें बड़े बुजुर्ग सोना चाहते। ऊपर थैंक यू। वो बैग यहाँ ठीक है। क्या बाथरूम का अभी तक नहीं आया? कहाँ जाएगा वो? हे अभी से सब शुरू हो गए। तुम लोग के लिए एक शुभ समाचार है। कौन सी लड़की? अरे वही मेरी होने वाली बीवी। बहुत सुंदर है यार, मुझे देख के हंस भी रही है वो। अरे हमें देख कर तो सभी लोग हंसते हैं। चुप कर। चौधरी साहब ने क्या बोला था, हमें टोपी पहनने वाली नौकरी मिलेगी बोला था। पुलिस से हम लोग डरते थे, अब पुलिस में भर्ती होने जा रहे हैं। ये सब ग्रहों का चमत्कार है। तुम सब मेरी मदद करोगे तो मेरा घर बच जाएगा। ठीक है हमें क्या करना है बोलो। जरा मेरी माशूका के सामने मेरी तारीफ करो और मैं तुम्हें डांटू या थोड़ा बहुत मारू भी तो भी बिल्कुल फील मत करना। ये सब मैं इमोशनली कर रहा हूँ यार। ठीक है यार, तुम अपना घर बताओ, उसमें हमारी खुशी है। थैंक्स यार बंटी। अरे 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 ये मेरा फोन। तो मैंने कहा मेरा फोन है। हेलो गुरुजी, सब आपके कहे अनुसार ही हो रहा है। सुंदर सी कन्या भी आ गई है। देखो तुम ज्यादा खुश मत हो बेटा, तुम्हारे बीच में राहु प्रवेश करने वाला है। अगर उससे बचोगे तो तुम्हारा मार्ग सुलभ होगा। गुरुजी तुम घबराना मत, उपाय सोचेंगे तो वो सुंदर कन्या तुम्हारी हो जाएगी। ठीक है गुरुजी। क्या हुआ, डल हो गया? हमारे बीच में राहु रुकावट बनने वाला है। अरे क्या कोई बर्थ खाली मिलेगी वहाँ? 49 खाली पड़ा हुआ है, उसी पे बैठा हूँ मैं। तो मैं आता हूँ। किस लिए? 49 राहुल। राहुल नहीं यार, राहुल एस 25 नेक्स्ट स्टेशन पर चढ़ेगा। अरे बाप रे, नाम भी तो एक जैसे ही है, अब क्या करें? अरे तुम टेंशन मत लो, हम सब हैं ना। इधर आ, मैं देख लूंगा। स्टेशन पूरा खाली है, चिंता मत कर। वहाँ पर है। ओ वहाँ पर है क्या? यही राहुल लग रहा है मुझे। चल छोड़ यार, ये क्या करेगा। अरे राहुल 49 बड़ा उछलते हुए आ रहा है, आने दो। एक्सक्यूज मी, ये गोदावरी एक्सप्रेस है ना? नहीं कावेरी एक्सप्रेस है। ओ थैंक यू। ठीक गोदावरी एक्सप्रेस कह रहा था। एक बार तो कमाल कर दिया। सर गोदावरी एक्सप्रेस कब आएगी? यही है वो गाड़ी। अरे उन्होंने तो कुछ और बोला था। तुम्हें उल्लू बनाया, जल्दी जाओ। संजीव मैं तेरे संग।
अब तो हर पल रहता है तेरा ही जादू। तेरे लिए तू जो चाहे वो मैं कर जाऊं, तेरे संग जीऊं मैं तेरे संग ही मर जाऊं। तेरे लिए तू जो चाहे वो मैं कर जाऊं, तेरे संग जीऊं मैं तेरे संग ही मर जाऊं। श्वेता यू आर चार्मिंग, आई लव यू डार्लिंग। श्वेता यू आर चार्मिंग, आई लव यू डार्लिंग। हे कोई कोई आंखों में तुम्हें के मेरी सांसों में तुमने इकरार किया। आजा मेरी बाहों में आ, दिल की पनाहों में आ, मैंने तुझे प्यार किया। तू हंसे तो खिले फूलों का ये मौसम, तू चले तो चले सारा आलम। राहों में तेरा ही साथ हो हमदम, हम चले संग तेरे जन्म जन्म। श्वेता यू श्वेता जी, मेरे फ्रेंड्स हैं ये सब। नमस्ते सुरेश, जी रमेश, नमस्ते। बैठो यार अपनी जगह, सब बैठो पहले। अरे बैठना है यार, बैठो। सब ठीक है ना? एक्सक्यूज मी, क्या टीसी ने तुम्हें बात नहीं दिया क्या? नहीं दे जाओ, और मिलने की कोई गारंटी भी नहीं है। किसी जनरल कंपार्टमेंट में जाके बैठ जाओ। बंटी क्या है? बिल्ट अप, बिल्ट अप। अरे विक्की, तुम सेकंड क्लास में क्यों ट्रैवल कर रहे हो? हमेशा फर्स्ट एसी में ट्रैवल करके आए हो। फर्स्ट एसी सेकंड एसी फुल हैं, छुट्टियां हैं ना इसलिए। कैसा सीजन, आजकल तो छुट्टियां भी नहीं है। अरे भैया तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? हमारा एडजस्ट हो गया ना? एडजस्ट वो नहीं हम हुए हैं। देखो टीसी साहब, एसी में जगह नहीं है क्या? एसी का पूरा खाली पड़ा है। एसी में जगह है, जाओगे क्या? खाली है लेकिन मैं नहीं जाऊँगा। यहाँ मेरे दोस्त नॉन एसी में है तो मैं अकेला एसी में क्या करूँगा जाके? उनके साथ मेरा दोस्ताना जो है। देखिए किस्मत से कोई अमीर पैदा होता है तो कोई गरीब पैदा होता है, लेकिन इससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। क्यों जी? देखिए मेरा ग्रहों पे बहुत विश्वास है और आजकल मेरे ग्रह भी बहुत स्ट्रांग है। वैसे मुझे मिलजुल कर रहना बहुत अच्छा लगता है। आपका क्या ख्याल है श्वेता जी? मुझे भी। देखा आपने, हम दोनों के ख्याल कितने मिलते जुलते हैं। यही तो बस मिलता है। तो तुम्हारे की तकिया? रोहन ग्रीशम, रोहन ग्रीशम, हट, रोहन ग्रीशम, जॉन ग्रीशम, जॉन ग्रीशम। जॉन ग्रीशम के नॉवेल्स आपको बहुत पसंद है? बहुत। और आपको? मुझे भी। उनका कौन सा नॉवेल पसंद है आपको? थोड़ी देर में आता हूँ। अरे ये कहाँ जा रहा है? कहाँ चल दिए? अरे मैं हूँ। अरे बेवकूफ, तुझे हिंदी ठीक से नहीं आती और इंग्लिश पढ़ने का इंग्लिश नॉवेल्स? अरे वो लोग इंग्लिश में पैदा हुए हैं, इंग्लिश में बड़े हुए हैं। तुझे मौका मिला है, इसी का उपयोग करो, नहीं तो चौधरी साहब भी माफ नहीं करेंगे। इस जन्म में तेरी शादी नहीं होगी, चल भाग। स्वामी आजा, मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह, मैं आ गया, चिंता मत करो। कौन हो तुम? इससे तुम्हें क्या लेना देना? मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा, लेट अस स्टार्ट। तुम मिले दिल खिले, ला लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता। Come on, what do you say? Hey, कौन है बे तू? हाथी के बच्चे की तरह परेशान कर रहा है? Hey, ये हाथी, हाथी किसे बोलता है? मेरे बारे में नहीं पता तुझे? काट डालूंगा। कहाँ जा रही है? Hey, hey, hey बोला, hey बोला, बोले ना, हाथी का बच्चा बोला। क्या कर रहा अपना बेटा? मारते क्यों? हाथी का बच्चा, छोड़ो, छोड़ो मेरे पापा को। Sorry, sorry, sorry। बता देता हूँ तेरे को अभी। क्या समझा? मुझे हाथी बोलता है। बच्चा या खाली है? छी छी, छोटा बच्चा है, बड़ों को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, कैसे बिहेव कर रहा है? आप हंस क्यों रहे हैं? ऐसे लोगों से मुझे नफरत है। आपको नफरत है, मुझे तो एलर्जी है। देखो ये तो कोइंसिडेंट है, हम दोनों के ख्यालात कैसे मिल रहे हैं। अब ऐसे बड़े कोई मुझ पर थूकेंगे तो भी साफ करके साइड हो जाऊंगा, परंतु उसको पलट के कुछ नहीं बोलूंगा, मेरा स्वभाव ही ऐसा है। देखिए जनाब, ट्रेन में चढ़ने से मैं देख रहा हूँ इसके नखरे और इसके बिल्डअप वगैरह। थोकने पर भी बुरा नहीं मानेगा। आगे से किसी के साथ ऐसे बिहेव ना करें, छोटा सा टचअप दे क्या शुरू हो जाए। सुनिए हुजूर, जोरों की भूख लगी, क्या आप मेरे लिए नीचे से कुछ लाएंगे? हम क्यों जाएंगे भाई, देखो मैं क्या करता हूँ। ओके। अरे ये बोलते है, इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो? अभी तो तुमने कहा था कि मैं बड़ों का बहुत आदर करता हूँ, मुंह पर थूकने पर भी साफ कर लूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, यानी ये सब नाटक था तुम्हारा, बस लड़की के सामने उछल रहे थे। ये बात नहीं है, सच में। ठीक है तो बाहर से कुछ ले आओ। मगर क्या लाऊं? कुछ भी खाने को ले आओ, पसंद आया तो खाएंगे, नहीं तो तेरे मुंह पे मारेंगे। पैसे तो दीजिए। पैसे क्यों,
अरे छोटे बड़े का लिहाज नहीं, अरे जाके लेके आओ ना। जाओ लेके आओ भी। चल रहे बंटी, अरे बंटी पानी लेके आ। कितने का दिया रे? 3 रुपए का। 2 रुपए के हिसाब से दे। हाँ ठीक है। अरे विक्की गणेश बहुत बोल रहा है। अरे उसके बोलने से क्या होता है, श्वेता ने तो मुझे पसंद कर लिया। बंटी पैसे तो दे के आ जा। कितने प्यार से देख रही है। ये लीजिए सर। क्या ये? 2 दर्जन अमरूद, आलू के चिप्स भी हैं। यानी अमरूद और चिप्स खाने वाले लगते हैं हम तुझे? मसाले वाले काजू नहीं दिखे? नहीं है सर, वहाँ पर। अब खा, तू ही खा इसे। उधर क्या देखता है, वहाँ क्या रखा है? गणेश जी कूल डाउन। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री दिन ब दिन सॉफ्ट रहेंगे तो कुछ भी गिर जाएगा सर। चुप कर। कंप्यूटर के बारे में तू क्या जानता है बे? बिना रिजर्वेशन के सफर करने वाले अपना दिमाग औरतों के पास दिखाना हमारे पास नहीं चलेगा। गणेश जी कंट्रोल योर सेल्फ। ये बात नहीं है भाई साहब। अनपढ़ जाहिल है, उनसे हमें क्या लेना देना। भाभी सॉरी, श्वेता जी आप चिकन खाती हैं क्या? नो थैंक्स, मुझे चिकन पसंद नहीं। भाभी वेजिटेरियन। अरे विक्की तुम खाओ वरना कहोगे हमने खा लिया पूरा। कैसी बातें कर रहे हो, मैंने कभी नॉनवेज खाया क्या पागल? वैसे भी किसी प्राणी को मार के काट के जला के खाना, अरे मुझे बहुत नफरत है। मतलब कच्चा खाएगा क्या? आप नॉनवेज नहीं खाते? नहीं मुझे पसंद नहीं है, मुर्गी में बहन दिखती है अपनी मुझे, बकरे में तो भाई दिखते हैं मुझे अपना। अगर देखा जाए तो वेजिटेरियन खाने से भी मुझे ठेस पहुंचती है, टमाटर मिर्च भी तो प्राणी जैसे, लेकिन वो नहीं खाएंगे तो अपनी जान जाएगी ना, इसीलिए खाता हूँ बस। नहीं चाहिए क्या? नहीं चाहिए बोला ना तुझे। Have it, please. जी, वो आपकी तरह नॉनवेज नहीं खाती। खाती हूँ जी। फिर ना क्यों किया था जी? चिकन खाने से रैशेस होते हैं, but I love seafood. चलो अब तो खा लो। नो नो, इन्हें फोर्स मत कीजिए, ये वेजिटेरियन है। ओह, ये बात है। Very tasty. इतना बढ़िया है क्या? कंपनी चाहिए तो मैं भी खा लेता हूँ। खा लूँ क्या? नो 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 नो, किसी के लिए हैबिट चेंज नहीं करनी चाहिए। लेग पीस खा रही है, मुझे भी तो बहुत पसंद है, मेरे लिए कुछ रखो यार, मुँह से पानी टपक रहा है। बचपन से कभी नॉनवेज नहीं छुआ, लेकिन कैसा होता है जानने की इच्छा है मुझे। जैसे हिसाब ने बोला था बढ़िया ओकेशन देखकर शुरू करो, आपसे परिचय हुआ इसे बढ़िया ओकेशन और क्या। शुरू करूँ क्या मैं? नूनो बिल्कुल नहीं, आदत से भी बड़ा आदर्श होता है, आप इसी तरह रहेंगे तो लोगों के आदर्श बनेंगे। आई रियली एडमायर यू। तुम्हें मारना और कुत्ते को मारना बराबर है। ओए दूसरों की बातें पूरी तरह से सुनो, इस तरह न सुन के ही डिग्री में इतने साल लग गए। अरे कल या परसों उस लड़की से जब शादी होगी तो घर बसाने के बाद नॉनवेज नहीं खाऊंगा कैसे कहोगे? अब तेरी जिंदगी में बस आलू सीताफल करेला टमाटर और साग वगैरह ही बचे। थोक तेरी तो साला। ए, सब लोग ध्यान से सुनो, ट्रेन यहाँ आधा घंटा रुकेगी, नीचे उतर कर देखो बहुत मस्त जगह है। बिल्कुल सही कहा आपने, तभी तो मुझे जंगलों से नफरत है, कभी नहीं आता मैं। चलिए चलते हैं यहाँ से। नहीं जी, यहाँ का नजारा बहुत सुंदर है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। क्या हुआ? जंगली मच्छर था। थू तेरी तो। कई बार हम सफर में मंजिल का इंतजार करते हैं और कई बार लगता है इतनी जल्दी पहुँच गए, है ना? हाँ जी बिल्कुल, दूरी नजदीक होते ही नजदीक या दूर हो जाती है, ये आम बात है। मैं समझी नहीं। वैसे मेरी भी समझ में नहीं आया, कभी बचपन में पढ़ा था, तुक्का मार के देखा, गलती हो गई तो माफ कीजिए। अगर आपसे परिचय नहीं हुआ होता तो मैं बोर हो जाती, आई मीन इट। चाय चाय मसालेदार चाय, चाय बोलो भाई चाय। साहब जी चाय लेंगे क्या? ए, नहीं चाहिए। एक चाय देना। तुम चाय पियोगे? टी या कॉफी की मुझे आदत। तो फिर क्या फिनाइल पिएगा? क्या चाय नहीं पीता साला। यहाँ तो भाई साहब आप चाय पियेंगे? नहीं जी थैंक्स। ये चाय है। अरे तूने कॉफी तो नहीं दी? चाय है सर जी। इसे चाय कहता है। एक बार मुंबई जा और वहाँ स्टेशन के बाहर ईरानी होटल की चाय पी, तब पता चलेगा। इतनी बढ़िया चाय मिलती है? बढ़िया क्या जी, कमाल की चाय है। सुबह सुबह वहाँ एक कप चाय पियो तो पूरा दिन मूड बना रहता है। हाँ श्वेता जी, मेरी दादी से मेरे दादा ट्रेन में मिले थे, मेरी माँ से मेरे पिता भी ट्रेन में मिले थे। ऐसा क्या? और क्या अजीब बात है। सोचा तुम अकेले ऐसे हो, तुम्हारा पूरा परिवार ही ऐसा है क्या? घूरते क्या हो, उधर देखो। उनकी बातें छोड़िए जी, मैं भी अपने जीवन साथी को ट्रेन में ही मिलूंगा।
ऐसा जेसी साहब ने बोला। वो कौन है? उन्हें नहीं जानती आप? बड़े ही महापंडित है, वो जो बोलेंगे वो होके रहता है। अरे बेवकूफ बनाता होगा, कौन मानेगा उसे, तेरी तरह उसको भी उल्टी सीधी बातें करने की आदत होगी। आप इनकी बात मत सुनिए, सचमुच वो बहुत बड़े ज्ञानी हैं। वो बहुत बड़े ज्ञानी और ये उनका चेला। बहुत बोल रहे हो, क्या हुआ? बड़ों की मैं इज्जत करता हूँ तभी चुप बैठा हूँ। दया करके हमारे चौधरी साहब के बारे में कुछ मत कहिए प्लीज। विक्की जी, मुझे कुछ स्कॉर्पियो के बारे में बताइए ना। वो अच्छी बड़ी लंबी गाड़ी है, डीजल है पर पेट्रोल जैसा पिकअप है उसमें। मैंने सुना है माइलेज बहुत देती है, क्या उसे खरीद रही हैं आप? ओहो, स्कॉर्पियो कार के बारे में नहीं, ज़ोडियक साइन के बारे में। वो क्या पूछ रही है और तू क्या बोल रहा है? स्कॉर्पियो मतलब कार ही होती है क्या? आपका साइन क्या है? एक्चुअली मेरा क्या, एक मिनट जी। कहाँ चले? हेलो गुरुजी, मैं विकी हूँ। हाँ बोलो विकी। आप इस तरह बात क्यों कर रहे हैं गुरुजी? आज जो भी हो तुम बोलो, मैटर क्या है? क्या बताऊं गुरुजी, वो जो लड़की है ना। कौन सी लड़की? वही जो मेरी होने वाली बीवी, वो कुछ ज़ोडियक साइन पूछ रही है। क्या गुरुजी है वो? ज़ोडियक साइन यानी राशि। अच्छा गुरुजी। अच्छा उस लड़की की क्या राशि है? स्कॉर्पियो जी, कोई कार का नाम जैसा बोला गुरुजी। अरे कार नहीं है बेटा। तो क्या गुरुजी? वृश्चिक राशि है। अच्छा ये बात है, तो फिर मेरी। बेटा तुम पैदा कब हुए थे? गुरुजी मार्च 24 जी, आप तो जानते हो ना, फिर क्यों पूछ रहे हैं? अच्छा तो तुम्हारा एरिश है। एरियल क्या? वॉशिंग पाउडर का नाम बोल रहे हैं। मतलब हम दोनों की जोड़ी खूब जमेगी ना। ब्रांडी सोडा की तरह जमेगी जोड़ी, स्ट्रांग। ये बात है, थैंक यू गुरुजी, सब आपका आशीर्वाद है। मैं फिर फोन करूंगा गुरुजी, आपका सेल इनकमिंग फ्री है ना? है बेटा। मेरा तो आउटगोइंग भी फ्री है। वो कैसे? सेलफोन बंटी का है ना। श्वेता जी, आपकी कुंडली जबरदस्त है, आपके वृश्चिक को मेरा मेष मिलेगा तो जिंदगी में खुशियां ही खुशियां, चौधरी साहब ने बोला है। ऐसा क्या? हाँ। तेरी भी मेष है क्या? मेरी राशि जो भी हो आपको क्या, मगर तुम्हारी कुंडली एकदम बेकार है। मेरी राशि तुम कैसे जानते हो? कुछ कुंडलियां राशि देख के नहीं, फेस देख के ही बोल सकते हैं। अरे चुप कर, उससे हमें क्या लेना देना, नींद आ रही है, चलिए ड्रेस चेंज करके आराम करते हैं। ऑल आर गोइंग टू स्लीप, यू वांट टू स्लीप? नो, मैं कुछ देर पढ़ूंगी। आप इधर आइए ना, आप ऊपर चढ़िए तो देख क्या रहे, चल बाहर। दिलदार चाहिए मुझे, कभी यार तेरा प्यार चाहिए। हे दिल ये कह के दिलदार चाहिए मुझे, कभी यार तेरा प्यार चाहिए। यार बिना प्यार बिना कुछ भी नहीं, हाँ प्यार दिलदार बिना कुछ भी नहीं। तेरे दिल ने मेरे दिल से आज सब कुछ कह दिया।
Hey baby, come, come, come. This is the time. You gotta sing it in the rhyme. Do be spit, do be say, and aura. Do be do be do be do be do be do be. कहानी प्यार पल में सौ बार चाहिए लाइन पर ले आया विकी ओके है ना ओके okay, फोटो 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 अरे उस तरफ जाओ एक और लेना हां स्माइल प्लीज ए बारा क्या आओ, 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 बारा आओ ना रुको एक मिनट जॉन है मेरी आजा ये सिर्फ मेरे अकेले की सक्सेस नहीं है सर्वश्रेष्ठ गुरुजी का इस विजय में बराबर का हाथ अजीब लग रहा है हट मेरा उद्देश्य वो नहीं है अरे सुरेश यार पता है वो क्या कहते हैं मुझसे परिचय होना उसकी खुशकिस्मती है बड़ी दिलचस्पी ले रही है मुझमें यार फिर अब देर कैसी एप्लीकेशन पास करते हैं अरे देख यार इससे ज्यादा खुल के कॉलर की बात करेगी तेरी तो वो लड़की तेरी भाभी जैसी है भाभी माँ अरे इसकी बातें छोड़ अगर देर हुई तो लड़की का मूड बदल सकता है चल जल्दी बोल आप सब मीटिंग कर रहे हैं क्या बस अपनी ही बात कर रहे थे लेकिन आप कहाँ जा रही हैं कहीं नहीं है अरे बाजोड़ बाजोड़ जाइए 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 ना आप जाइए 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 आराम से आराम देखा अभी से मुझे पति का दर्जा दे रही है ये वाली बात भी मुझे बता रही वो आ जाएगी यार सुन लेगी सुन सुन यही बढ़िया टाइम है अभी बोल दे थोड़ा टेंशन हो रहा है यार पहला मैरिज है ना अगर अभी नहीं बोला तो फिर कभी बोल नहीं पाओगे अरे यार सोने के लिए जा रही है वो एक पिक बना दो क्या चुप कर पैक लेगा तो इसकी जबान फिसल जाएगी किसी भी तरह तू अभी बोल दे छोड़ो यार बाजोड़ क्यों यार जोड़ी जमेगी क्या श्वेता जी सब ठीक हुआ ना क्या छिछी टेंशन की वजह से कुछ अनाप शनाप बन गया बात थोड़ी इधर उधर हो रही है लेकिन आप ठीक से समझ जाएंगे पता है क्या कह रहे थे मेरा मेष है आपका वृश्चिक है जेसी साहब ने बोला था क्या कहा वृश्चिक और मेष की जोड़ी जमेगी तो लाइफ में एकदम चार चांद लग जाएंगे यानी कि हम दोनों अगर शादी कर लेंगे तो आपकी लाइफ की तरह मेरी लाइफ भी बन जाएगी वैसे मेरे दोस्तों को अपनी जोड़ी बहुत पसंद है तेरे जैसे गुंडे मौली को मेरी बेटी चाहिए क्या अरे मेरी बात क्या तेरी बात सुनो क्या हुआ सर क्या हुआ ये मेरी बेटी को बगल में बुला के शादी का चक्कर चला रहा है इसमें क्या गलती है पसंद आई तो बोला भौंक रहा है तू प्रकाश जी फालतू में लफड़ा मत कीजिए श्वेता जी कुछ बोलिए ना आप अब मैं क्या बोलूं इडियट तुमसे बात करके ही मैंने गलती की है डोंट लीव दिस फेलो गिव हिम टू द कॉप कॉप्स और मिलिट्री क्यों इसे तो मैं ही संभाल लूंगा क्यों रे इनके घर की नौकरानी भी तुझसे शादी नहीं करेगी और तू इसके सपने देख रहा है गणेश जी हमारी समस्या है बीच में बोलने की जरूरत नहीं क्या कहा हमारी समस्या मेरा तुमसे क्या लेना देना जरा हंस के बात की तो शादी तक पहुंच गए शर्म नहीं आती क्या बेटी तुम इसके मुंह लगती हो शादी करेगा अरे सब उल्टा हो गया यार विकी 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 विकी
सुरेश। फिर मत कर यार, हम सब तुम्हारे साथ है ना। लेकिन वो नहीं है ना। छोड़ो ना उसे, अब हम क्या कर सकते क्या हैं। क्या सोचा था उसकी खातिर, क्या क्या छोड़ दिया। नॉनवेज तक को नहीं छुआ, कोई कुछ बोला सा मैंने शादी करने को कहा, बाप है कौन कहता वो कहती है। मुझमें क्या कमी है, मुझमें क्या कमी है बोलो। तुम सबसे मैं सुंदर हूँ ना। ऐसा हो जाता है, दूसरों की खातिर अपना कैरेक्टर कभी बदलना नहीं चाहिए। मुझे देख के सीख लो तुम लोग, मेरी जिंदगी तुम लोगों के लिए एक लेसन है। अरे क्या हुआ भाई, काहे रो रहे हो, कौन मर गया का? मेरे दोस्त का लव फेल हो गया सर। अरे लव फेल हुआ तो रोने का नहीं, खुशी मनाने का। खुशी क्यों? हाँ देखो भाई, तुम्हारा लव सक्सेस हुआ तो शादी करनी होगी, शादी करने के बाद सुहागरात और फिर खेल खत्म, दुकान बंद। अरे लव फेल हो गया तो जिंदगी भर याद रहेगी तुमको। आपने जो कहा कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ और बोलिए ना। सुनो हमारे पास ऐसा बहुत नुस्खा भैया, अरे ढोल खत लिखता है खून से, सही न समझना। हम आप पे मरते हैं, हमको शादी शुदा मत समझना। अरे बाबा बोलो भैया, खत काहे खून से लिखते हो? अरे चुप रहो, खत काहे खून से लिखते हो? दुहाई मिलती है, अगर आप हम पर नहीं मरोगे तो हमको दूसरी लुगाई मिलती है। अब हम पे नहीं मरते तो हमको दूसरी लुगाई मिलती है। अब हम पे नहीं मरते तो हमको दूसरी लुगाई मिलती है। और इसका नाम क्या है? विक्की। बाबा विक्की ने प्यार किया, विक्की ने प्यार किया और उसने रिजेक्ट किया, उसने रिजेक्ट किया, उसका दिल टूट गया। हिला के रख दिया, हिला के रख दिया, हिला के रख दिया, हिला के रख दिया। क्या ये न्यूसेंस? कौन बोला रे? ट्रेन से ढकेल दूंगा अभी। सोने में नहीं देते बेकार के लोग। हिला के रख दिया, हिला के रख दिया, हिला के रख दिया, हिला के रख दिया। नागा साहब मुझे अमिताभ का गाना है। कहा तुम अमिताभ का गाना जानते हो? जानता हूँ और गाऊंगा। खाओ फिर। पकड़ जाए। अरे पकड़ दे। मेरे अंगने में, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? जो है नाम वाला, जो है नाम वाला वो ही तो बदनाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? हो एक गाना और गाऊंगा। अरे तो गा लो भैया। अरे भंग का रंग जमाओ चका चका, फिर लो पान चबा। अरे ऐसा झटका लगे है जिया पे, पुनर्जन्म हुई जा। हो खाई के पान बनारस वाला, हो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। हो खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल, बछोरा गंगा किनारे। Stop, stop! What the hell is going on here? What do you think of this? Is this train compartment or fish market? Common sense होनी चाहिए। इधर आ। पेड़ की तरह लंबा हो गया, शर्म नहीं आती? ओए तेरे हाइट की और तू जो बोल रहा है उसका कोई संबंध है क्या? मेरी हाइट से इसका क्या संबंध है? तुमने मुझे मारा? कोई डाउट है? कंफर्म। मैं चलता हूँ बेटा। ए, रुको। मुझे नींद आ रही है। मुझे नहीं आ रही है। क्यों बे? मेरी वजह से सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री का सर्वनाश हो रहा है। बोला था ना तुमने, मेरी शक्ल लेके काम वाले भी नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है। फिर क्यों बोला था? तो क्या हम सब टिकट के बगैर सफर कर रहे हैं? ये भी बोला था। बोला था। बोला होगा गलती से। अरे वो तो भूल ही गया। जब टीसी ने आगे चेन किसने खींची तो क्या बोला? बेटा उंगली खाली थी इसलिए तुम्हारी तरफ दिखा दिया। खाली रहने से उंगली दिखाओगे तुम? उंगली तोड़ दूंगा, हजार रुपए निकाल। अरे हजार रुपए क्यों, उसे तो पास डिटेल चाहिए। डिटेल चाहिए तुझे? डिटेल देता हूँ, देता हूँ। सौ रुपए कम है सर। कोई बात नहीं, बाद में दे देना। थोड़ी देर पहले बहुत चिढ़ा रहा था ना मुझे, दिखा। ओहो, मारने से पहले ऐसे चिढ़ा दे क्या? दिखा एक बार, दिखा। ऐसा है कि अभी दिखा ना। एक बार फिर से करके दिखा, दिखा। ओ ऐसे क्या? देख देख। ऐसा नहीं है जी, आप ऐसे दिखा रहे हैं ना, ऐसा नहीं है। इसको थोड़ा ऊपर करके। अच्छा करेक्ट, ऐसा है क्या? आप देख 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 देख, सही है ना, सही है ना। देख देख देख, वापस देख, वापस देख, देख। हाँ देख ना, देख मैंने बोला।
सोने के लिए क्या? नहीं, बहुत थक गया हूँ ना, रिलैक्स होने के लिए। अच्छा रिलैक्स होना छोड़ो, चलो आराम से गाने गाते। तुझे गाना आता है क्या? पुराने गाने बहुत आते हैं। बुड्ढे मुझे होशियारी मत दिखा। मैंने कब दिखाया सर? मैंने पूछा गाना आता है क्या, पुराना या नया? नहीं पूछा। चल गा। आना तुम मारोगे नहीं तो गाऊंगा। गाओगे तो नहीं मारूंगा। मैं समझा नहीं सर। आराम से सब समझ जाओगे। बैठो 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 ना, गाओ गाओ गणेश जी। ओके वन मिनट सर। सुहाना ओके 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 सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। यो 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 मान्यो, हार्ट इज बीटिंग, यो यो बाबा हार्ट इज बीटिंग, हा यो यो यो। ये क्या है सर? रिमिक्स गणेशा, गाओ। प्यार कभी रुक जा, मैं उड़ाई तेरी मंजिल का, मैं उड़ाई सब फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया गाना। ये क्रेडिट गोज टू फॉर यू सर, मैं चलता हूँ। कहाँ जाएगा बैठो, वो ब्रोकर कहाँ है? कौन ब्रोकर? सर ऐसे ही पूछ रहा हूँ, छोटा सा क्लेरिफिकेशन, अब क्यों मुझे मारा? वो साले ब्रोकर को जी के बोल रहे थे ना। अरे ब्रोकर ब्रोकर, अरे ब्रोकर ब्रोकर साले ब्रोकर ब्रोकर। क्या है गणेश जी, क्या है ये नॉनसेंस? गाड़ी है कुछ और धोबी कार समझ रखा है उन्होंने? भाई साहब आपको बुला रहे हैं। तो क्या वो बुलाएंगे तो हम चले जाएंगे? ये बात मुझे बोलते, आपको शर्म नहीं आती? परिस्थिति कुछ खराब है ब्रोकर जी। परिस्थिति कुछ भी हो चले मैं बताता हूँ, वो लोग मेरे बारे नहीं जानते हैं। ये आ गए ब्रोकर जी। आजा ब्रोकर आजा। ए, इस तरह क्यों बुला रहे हैं मुझे? तमीज से बात कर, मुझे क्या गणेश समझ के रखा है तूने? अरे इतना उछल क्यों रहे हो? आप तो क्या करोगे, मारोगे? अरे मारना मार के दिखा, अरे मारना मारना। तो मारना क्या बड़ी बात है, देखा कितना सिंपल है। अच्छा बात बता, ये सफारी तेरे को चाहिए क्या ब्रोकर? नहीं चाहिए, आप ले लो। बड़ा घटिया दिखता है इसमें। चलता गुड नाइट सर। चला था रुपए निकल। मगर किस लिए? बोला नहीं का मारेगा तोड़ेगा, मेरी मानो दे दो। अरे साफ साफ साहब, ये तो पूरे पैसे। अच्छा चल मैं बंद करता हूँ। चल तू ये गाना सुना, अब तक गणेश गा रहा था। गाना नहीं आता मुझे। तो क्या आता है तुझे? नहीं आता साहब। कुछ नहीं आता। क्यों चढ़ा ट्रेन में? क्यों चढ़ा भाई? ट्रेन में चढ़ने के लिए कुछ जानना जरूरी है क्या सर? बेकार के जवान मत लड़ा, तो क्या जानता है बोल। डांस बोले लिटिल बिट मैनेज कर लूंगा सर। चल कर डांस। नागराज जी इसको ठेकरे दो। ओए गणेश जी तुम भी डांस करो। जी मुझे ठीक से नहीं आता, मूवमेंट परफेक्ट नहीं होंगे तो आप मुझे फिर मारोगे। क्या कोई सिनेमा की शूटिंग है? थोपड़ा बिगाड़ दूंगा। चल कर डांस ले बेटा, नहीं तो फिर मारेगा। गणेश जी राजा बजाओ। एक चतुर नार करके सिंगार, एक चतुर नार करके सिंगार, हम दिल के द्वार में फसत जात, हम फसत जात, हम फसत जात, हम फसत जात, हम फसत जात। हे मामा हे मामा, अरे मामा अरे मामा, हे मामा अरे मामा, अरे नाचा मामा, अरे मामा अरे मामा मामा, अरे नाचा मामा, अरे मामा। सर वी एंजॉयड अ लॉट सर, अब जाके जरा सो जाएंगे सर, आज हम लोग चल चलते हैं। अरे कहाँ जाओगे बैठो रे, प्लीज अब हमें जाने दो, थोड़ा रेस्ट करेंगे। ज्यादा बोला तो जूता उतर के मारूंगा। Hey, why are you disturbing everyone? सुबह से देख रहा हूँ अंग्रेजी में बहुत कुछ बोल रही है, थोबड़ा उल्लू का चश्मे वाले दांत तोड़ दूंगा तेरे। तू हट बेटी, क्या निशन चाहिए? तू क्यों आया बे? बे? हाँ बे, इसे ट्रेन समझा है तूने, अपनी कार समझ रखा है? ट्रेन प्लेटफॉर्म पर हो तो एचडी में दूसरे को कहानी सुनाते हो, तेरे वास्ते रिस्क मुझे लेना पड़ा। तुम गलती करो पेनल्टी मैं भरूं, दे पैसे। तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, ये लो। सर बड़ा चालाक है, सबसे वसूल रहा है सर। अरे कंप्लेन करता है तू, ये कोई इस बोगी का हेड मास्टर है क्या? तुमने थोड़ी देर पहले क्यों मारा मुझे, क्या समझ कर रखा है? इसकी मुंह मत लगी, आप सो जाइए। अच्छा हमारी यहाँ नींद उड़ी हुई है और आप वहाँ आराम से सोएंगे? ये सब नहीं चलेगा, हम भी नहीं सोएंगे, आपको भी नहीं सोएंगे।
इसका शर्ट पकड़ा तो इतना फील कर रही है तू? इसने मेरे गाल पे मारा तो मैंने कितना फील किया होगा? You idiot, don't have sense. अरे चुप अंग्रेजी वाली, कल सुबह तक तेरी और इस बुड्ढे की जान हवा में नहीं उड़ाई तो मेरा नाम विक्की नहीं समझ लो। बहुत से लोगों को हवा में गायब कर दिया हमने, शव भी नहीं मिला उनका। काट डालूंगा, सीधा गला काट डालूंगा, समझ गए क्या? गला काटेगा? मारो मुझे, मारो मुझे। वे तू मारने को बोलेगा तो मैं मार दूंगा, तू मरेगा मगर पता भी नहीं चलेगा। आग खुलने से पहले नरक के दरवाजे पे दस्तक दे रहा होगा तू। दफा हो जा यहाँ से। नरक में जाकर झगड़ा करेगा तू। उसको मारूंगा बोल के खुद ही लुढ़क गया। डैडी स्टेशन आ रहा है, उठिए। क्या हुआ बेटी, क्या हो गया? चलो इस लड़की को उठाते, इसके पास फोन है, पुलिस को फोन करेगी। बेटी बेटी उठो, बेटी अल्लाह के बचा रहे। क्या क्या ये कैसे हो गया सर? अब होने के लिए रखा ही क्या है? तुम इंसान हो या जानवर, दोनों का कत्ल कर दिया तुम लोगों ने। ए ए ए ए विकी, ए उठ। कुर्सी ने उन लोगों को मार दिया, वो लोग हमें ही दोष दे रहे। उठ जल्दी आ, जल्दी आ। जैसा तूने बोला वैसा ही क्या? बेवजह दोनों का कत्ल कर डाला। मैं क्यों मारूंगा? तुम नहीं तो और कौन? रात को उनसे तुमने झगड़ा किया था, बड़ा धमाका हुआ। अरे इसे बंद क्यों करें? जल्दी से फोन कीजिए पुलिस को। अरे टीसी खड़े खड़े मुखिया देख रहा हूं, इसको फोन करके जाओ। रुक जा, ए रुक जा। रुक जा, चल चल भाग ले, चल चल चल। हम पुलिस ट्रेनिंग के लिए आए हैं या किसी का मर्डर करने आए हैं? अरे कोई अनजान व्यक्ति किसी की बेटी से शादी करने को कहेगा तो कोई भी माँ बाप को गुस्सा आएगा ना, तो क्या उसे मार डालोगे तुम? ए, मुंह में आए जो बकरे हो, काट के रख दूंगा। काट दोगे? उन्हें काट दिया तुमने वो काफी नहीं है, हमें भी खत्म करोगे, काट दोगे? इसी तरह सबको काटते जाओगे तो दुनिया में कोई भी नहीं बचेगा। अरे सुरेश मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, मैं भला उनको क्यों मारूंगा? अरे तुमने अपने मुंह से कहा तो था। दारू पी के हम लोग कुछ भी बोलते हैं उसका मतलब हम कर देंगे क्या? खून देखते मुझे डर लगता है, जानते हो ना तुम लोग। ये भी सही कहा तुमने, लेकिन तुम्हारे बारे में जानते हुए हमें ही जब शक हुआ है तो तुमने जैसे बोला उन लोगों को भरोसा होगा? और ऊपर से पूरे कमांडमेंट बना हमारे दुश्मन। सुनो अगर पुलिस वालों से बचना है तो हमें पुलिस एकेडमी में भर्ती होना पड़ेगा। लकीली हमने रिजर्वेशन नहीं कराया था, हमारे बारे में कोई नहीं जानेगा, तेरी वजह से ही हम लोग बच गए यार। भगवान की दया है रमेश। क्यों यार, तुम्हारे चौधरी साहब ने कहा था कि हमारी जिंदगी बदलने वाली है, ऐसा क्या? उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, जरा फोन दे मेरे को। फिर से फोन ले ले। अच्छी, हेलो जगदम्बा चौधरी यार। जैसी हमारी जिंदगी बदलने वाली है बोला था ना आपने? क्यों अभी बदली नहीं क्या? जिंदगी तो नहीं बदली, हम लोगों की किस्मतें खराब हो गई। तेरी तो साले बेकार फालतू बातों से हम सबको उल्लू बनाया। तेरी तो भाषा, भाषा पर लगाम लगाओ। भाषा तेरी तो, भगवान की दया से हम बचकर वापस लौट आए तो तुझे जरूर भगवान के पास भेज देंगे कमीने उल्लू। देखो भाषा, छोड़ूंगा नहीं, मुझे आने दे वहाँ। ये क्या स्वामी जी उसे मना कर रहे हैं? कभी विक्की नाम के लड़के को मैंने जैसे बोला था वैसे ही उसके साथ हुआ, इसलिए खुशी में वो मेरा सम्मान करना चाहता है, लेकिन मुझे सम्मान वमान पसंद नहीं, मैं बोल रहा था। मुझे जैसा आपने बोला वैसे ही हुआ तो हम भी सम्मान करेंगे स्वामी। बेटी अपने आपको संभालो, बेटी चुप हो जाओ। वो कमीने इंसान नहीं, हैवान है, कितनी बुरी तरह मार डाला। कौन? वही सर, वो चार गुंडे। चार गुंडे? उनके बर्थ नंबर्स? अरे साहब उनका रिजर्वेशन नहीं था। विदाउट रिजर्वेशन? टीसी उनके दोस्त है साहब। दोस्त? अरे टीसी को लेके आओ। अरे धक्का खा जा रहा भैया। कौन थे वो लोग? कौन सर? वो चार लोग कौन थे? वो हमारे फैंस है। फैंस क्या? हाँ तो कोई फिल्म आती है जो फैंस होंगे, बता कौन थे वो? हमरी माई कसम हमको नहीं पता सर। नहीं जानते? नहीं पता। नहीं जानते हुए भी उनके साथ बैठ के शराब पी? हमरी के ही बताएगा। इनको ये बोलता है
बताओ वो कौन थे चार लोग? कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। अरे पुलिस एकेडमी में पुलिस वाले तो होंगे ही, हम जैसे को पुलिस वाला जो बनाना। चल अपना नाम और पता लेके साइन करके जाओ। साइन और हमारा एड्रेस भी चाहिए क्या? ये यहाँ का कानून है। हम कौन है? कौन है? तेरी तो बुरी तरह फंसाएगा। एकेडमी में एसआई के ट्रेनिंग के लिए आए, जैसा बोला करो। आप कल आएंगे तो आइडेंटिफिकेशन के वास्ते कुछ क्रिमिनल्स की फोटोज दिखाएंगे हम। आई नो यू आर टायर्ड नाउ। आपके डैडी के सामान उस रूम में रखे, जाके कलेक्ट कर लीजिए। सिक्योरिटी के लिए कॉन्स्टेबल को भेज रहा हूं आपके साथ, जस्ट टेक केयर। वेलकम, वेरी वेलकम टू पुलिस एकेडमी बैच 2008। थैंक यू सर। तुम सब यहाँ किस लिए आए हो जानते हो ना? लाइन में खड़े होने के लिए। वेरी गुड, बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारे पास ऐसे जोक्स और है तो अभी बोल दो, क्योंकि थोड़ी देर में तुम्हारा बाप आएगा, उनके सामने ऐसे जोक्स मारोगे तो तुम्हें वो चिड़िया की तरह ऊपर उड़ा देगा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या है ये? रिंगटोन सर। हाँ रिंगटोन। कौन सा सॉन्ग? चांदनी रात है तो मेरे। चांदनी रात में मजा आएगा क्यों सर? धूप में और भी मजा आएगा, मालूम है? नहीं सर। ठीक है जान लो, आज पूरा दिन धूप में भागो, कितना मजा आया वो कल मुझे गाना गा के सुनाना। सर गो, टेक द गन एंड रन। 3 महीने आंखें बंद करोगे तो ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद पूरे देश को हड़प लोगे, ऐसा सोचते हो तो यह विचार बिल्कुल गलत है। इन 3 महीनों में असली मर्द जो है वही सिलेक्ट होके बाहर जाएंगे, बाकी के बचे लोग घर वापस जाएंगे। दिस इज माय एकेडमी, यहां पर सिर्फ मेरे रूल्स होते हैं, वो भी बहुत कठिन होते हैं। उनको सहन करके जो बाहर निकलेंगे, ऐसा विश्वास जिनमें है, सिर्फ वही लोग यहां पर ठहरे, बाकी लोग घर वापस जा सकते हैं। अगर मैंने भेजा तो वो किसी लायक भी नहीं बचेंगे। तुम्हें 2 मिनट का समय दे रहा हूं, खूब सोच लीजिए। सुन रे, उसकी नजरें उसकी शक्ल से तो बहुत डेंजर ऑफिसर मालूम पड़ता है। हाँ यार, उल्टे सीधे काम करके अपने शहर में जीना बैठ रहे। चलो वापस चलते हैं। बाहर जाएंगे तो अंदर कर देंगे, वो प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व होगी। जाओ आ रहा है। सो तुम सब लोग मर्द हो, ऐसा सबको भरोसा है। आई लाइक इट। योर ट्रेनिंग स्टार्ट्स फ्रॉम टुमारो। विक्षो जी यहाँ के रूल्स वगैरह आपको बताएंगे। गेट रेडी बॉयज, आई विल सी यू टुमारो। ये क्या भाई, उन्होंने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया जाने का, फिर भी नहीं समझ रहे हो? इतनी मेहनत करके इतने टेस्ट देके क्या वापस जाने के लिए आए? ठीक है तुम्हारी बदकिस्मत। यहाँ के रूल्स क्या है सुनो, सवेरे सवेरे 5 बजे सायरन बजेगा, तुरंत उठना होगा। फिर सोएंगे कब? बताता हूँ, वो भी बताता हूँ। 6 बजे प्रेयर होगा, 7 बजे टिफिन मिलेगा। क्या मिलेगा? मिठाई पूरी मिलेगा, तुम सोच रहे होगे? नहीं, बस एक रोटी और आधा गिलास दूध मिलेगा। लंच में क्या मिलेगा सर? 1 कप राइस और दाल, और कप का साइज बहुत बड़ा होगा ऐसा मत समझना, चाय के कप में आधा होगा। और लंच खत्म होते ही करेंगे ना। 1:30 बजे से ओरल क्लास होगा, मतलब पाठ पढ़ाएंगे। 4 बजे पैरेड होगा, 5 बजे से 6 बजे तक गेम्स होंगे, 8 बजे रात का खाना, 9 बजते ही छोड़ेंगे सबको। इन सब के अलावा तुम लोगों को कभी कभी रात में जंगल ले जाके छोड़ देंगे, और हम लोग उससे फील्ड कोट कहते हैं। पुलिस के जंगल में क्या काम सर? अरे वहीं पे तो डाकू होते हैं। यह अन्याय होगा सर, अगर डाकू लोग हमें पुलिस वाला समझकर हमला करेंगे तो उसका जिम्मेदार कौन होगा सर? अरे भाई, पुलिस की नौकरी का मतलब तो यही होता है। अभी तो कुछ नहीं हुआ, आगे आगे देखिए होता है क्या। उधर देखिए, एक विकेट गिर गया।
सलामी के लिए तैयार। नाम? बंटी। नो निक नेम, पूरा नाम? वीरभद्र। ये क्या किया तुमने? सलामी शब्द मुझे नहीं आता। मुझे नहीं आता सर। आई नो हाउ टू टीच यू। आई हैव वन वेरी गुड टेक्निक फॉर यू। अरे इस तरह क्यों हंस रहा है बे? इसे देखकर रोने की जगह हंसी आ रही हाँ है। यार बिल्कुल बच्चों की तरह हमें भी खाना दे रहे हैं। बच्चों की तरह? अरे मैंने जिंदगी में पहली बार इतना खाना खाया है, ये क्या है? ए सुरेश उधर देखो, वाह कितनी अच्छी है, किसी नवाब की बिल्डिंग लगती है। ऐसी चीजों में मुझे बहुत इंटरेस्ट है। हमें तो पढ़ाई छोड़ के सभी में इंटरेस्ट है। खाओ, हम एक बार जरूर वहाँ जाएंगे। रात में नहीं यार, दिन में जाएंगे। अब तक की खास खबरें। कल सुबह गोदावरी एक्सप्रेस में हुई दो हत्याओं के पीछे शोलापुर के रहने वाले 4 युवकों का हाथ है, ऐसा पुलिस वालों का शक है। शराब के नशे में उन्होंने ये हत्या की होगी, वहाँ पर मौजूद लोगों ने हमारे संवाददाता को बताया। हत्या जिनकी हुई, प्रकाश की बेटी श्वेता ने हमें और भी जानकारी देते हुए कहा। मेरे पिताजी ने मेरे लिए ही उससे झगड़ा मोल लिया, पर मैं नहीं जानती थी वो उन्हें मार डालेगा। इन 4 युवकों की पुलिस हर जगह छानबीन कर रही है। इस बारे में DCP भरत ने हमें बताया। उन 4 युवकों ने ही ये कत्ल किए हैं, ऐसा हालात बता रहे हैं। उन्हें पकड़ने की हर तरह से कोशिश की जा रही है और हम किसी भी हालत में उन्हें नहीं छोड़ेंगे। वो चारों अगर मुझे मिल जाए तो बम से उड़ा दूंगा उन्हें। भाई तुम बम बनाने में एक्सपर्ट हो। हाँ। शक्ल से भी लगते हो। क्यों भाई, तुम चारों भी उसी ट्रेन से आए थे? कहीं वो चारों तुम ही तो नहीं हो? जबरदस्ती का हंसना बहुत मुश्किल है यार सर। हम यहाँ मस्ती करें लेकिन मामला तो बहुत सीरियस है। वो चारों हम ही हैं, पता चल गया तो? पर हम उसी ट्रेन से आए, ये उसे कैसे पता चला? नहीं बताया था उसे। हम कब आए थे? कल। परसों। देखो विकी कुछ भी कहो, आजकल तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है। अब बिल्कुल काम कर रहा है। एंट्री बुक में हम एक दिन पहले आए हैं, डेट बदल दे तो हम बच सकते हैं। विकी! अरे बाप रे, क्या हुआ यार? अरे तेरी कैसे तारीफ करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा करने यार। का समय नहीं है सुरेश। नहीं 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 नहीं, पहले काम करो। काम तो करना ही है, एंट्री बुक उस ऑफिसर कमरे में जो है, यानी शेर के पिंजरे में हाथ डाल के निकालने जैसा। अरे भाई रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, चलो। अरे कोई अंदर हुआ तो बड़ी आवाज मत करो, दरवाजा बंद करो। सुरेश तुम उधर जा और तू उधर जा। हे सुरेश सुन, मिल गया यार। अच्छा अरे कहाँ कहाँ है? हाँ कोई यार। चुप 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 जाके। कितनी बार समझाया है तुम्हें कि कभी यहाँ सीधे मत चले आया करो, then why did you come here? अब उन काम खत्म होते ही खुद फोन करूंगा बोला था, नहीं फोन कर पाया इसलिए आ गया। Shut up, idiot. काम कहाँ खत्म हुआ? मैंने तुमसे कहा था बाप बेटी दोनों को खत्म कर दो, तुमने दूसरी लड़की को क्यों मारा? सुनो साहब, तुमने कहा कि ये 7 की 52-53 मर्द वालों का गला काट दो और आपने काट दिया। तुम्हें देख के मारना चाहिए था ना? अरे साहब अपन कैसा देखता, फोटो भी नहीं दिया आपने। ओके, अब दे रहा हूं। ये उस लड़की का फोटो है। एड्रेस फ्लैट नंबर 418 अरुणा अपार्टमेंट लोखंड वाला, फ्लैट नंबर 418। नाउ गो एंड किल हर। सुनो किसी भी हालत में इस बार मिस मत करना तुम। इफ यू मिस एट दिस टाइम आई विल नॉट मिस यू, रिमेंबर। आप ये न्यूज कल पेपर में देख लेना, खुदा हाफिज। पुलिस की नौकरी में मुख्य बात होती है कॉन्फिडेंस। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब ये घर है और मैं एक चोर हूँ। अरे आपका फेस तो वैसे ही है सर। क्या नाम बताया तुमने? सुरेश सर। ठीक है बहुत अच्छा है। अच्छा तो सुनो, समझो कि हम एक चोर है और तुम लोग पुलिस। अब इस टेप रिकॉर्डर को हम यहाँ से ले जा रहे हैं,
तुम मुझे कैसे रोकोगे, कैसे पकड़ोगे, यही देखना है अब मुझे। हाँ तो कौन आएगा? हाँ सुरेश तुम आओ, तुम बहुत होशियार हो, तुम पहले भी बढ़िया जोक सुनाए थे। अरे मैं कौन हूँ? चोर सर। अब देखो मैं भाग रहा हूँ, तुम मुझे पकड़ोगे। रेडी 1 2 3। रुकिए सर, शर्म नहीं आती? अपने घर में चोरी करते हैं। जूता मारूंगा तुझे। अपने घर में मैं कुछ भी करूं, पूछने वाला तू कौन है? मैं पुलिस वाला हूं, आप ही ने तो कहा था सर। अरे मैंने कब बोला कि ये मेरा घर है? मैं तो यहाँ पे चोरी करने आया हूँ। अब तुम जाओ भाई। अरे जाओ जाओ, बहुत से लोग है। अरे रंजीत तुम आओ, आओ चोर को पकड़ने आओ। स्कीम पूरी तरह याद है ना तुम्हें? याद है सर। रेडी 1 2 3। स्टॉप देयर। अंडर सेक्शन 136 एंड 526 ऑफ स्टीलिंग अ टेप रिकॉर्ड इज अ क्राइम एंड यू विल बी पनिश्ड अप टू 3 मंथ्स प्रिजन एंड फाइन अप टू 5000 रुपीस। अरे तेरी ये पूरी कहानी सुनने तक वो रुकेगा क्या? कब का भाग जाएगा? ये सेक्शन और रूल्स जानेगा तो वो चोरी करने क्यों आएगा? काला कोट पहन के कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करेगा? अरे जाओ भैया जाओ, बैठ जाओ। क्यों हमारी जान खाने यहाँ आते हो? कोई और है क्या? हाँ विकी शरावत सर। हाँ तुम आओ सर। तुम क्या करते हो देखते हैं। क्यों भाई, तुम ठीक से करोगे ना या उन्हीं की तरह करोगे? नहीं नहीं बिल्कुल करूंगा। हाँ ये लीजिए, भागिए आप। हाँ वाह, छोड़िए पहले भागिए, रुक जाओ। अरे टेप रिकॉर्ड, टेप रिकॉर्ड चुराता है तू? मारो नहीं तो और क्या करूं? तूने आपको आज के लिए लेसन काफी है। अब रात को फील्ड क्राफ्ट, मतलब हम सबको ले जाके जंगल में छोड़ देंगे क्या सर? और नहीं तो क्या। बहुत डर लग रहा है इस जंगल को देख। जंगल के देखे जरा, बाप रे ये क्या इस टाइप पर गाना गा रहा है ये? देखे जरा। अरे तुम लोगों को उठा के ले जाना पड़ेगा। कहा नीचे उतरो? हम नहीं उतरेंगे सर। नहीं उतरेंगे? अरे जबरदस्ती उतारूंगा। बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो पुलिस में भर्ती होने आए। इतनी देर बाद समझ में आया का? इसको देखो हंसते हुए नरक दिखा रहे हैं। क्यों? कहां सोच के आए थे कि पिकनिक मनाने जा रहे हैं, पेड़ के नीचे बैठ के मस्ती करेंगे? ये सब नहीं चलेगा। यहां से 10 किलोमीटर की दूरी तक सबके नंबर के हिसाब से फ्लैग बंधे, अपना अपना फ्लैग देख के वहां से लाना होगा। अरे चुप रहो, जंगल में शेर नहीं चिल्लाएगा तो क्या तुम चिल्लाओगे? ऊपर से ये टाइगर जोन है, अब तुम लोग जल्दी से जाओ। सुबह इसकी क्या गारंटी है? अरे चुप रहो, तुम बचे रहोगे तब पिकअप करके ले जाएंगे ना, नहीं तो तुम्हारी बॉडी उठा ले जाएंगे। जाओ भाई जाओ। इतनी सी बात से डर गए क्या? ये तो आम बात है। क्या आम बात है? आम बात है तो जा, तू जा और अपना झंडा लेकर आ। बाप रे, इस तरफ जरूर शेर होगा, उस तरफ चलते हैं। सांप से डर लगता है मुझे। सांप से शेर ज्यादा डेंजर होता है। अरे मैं हूँ। अरे तुम हो, मैंने भालू समझा था यार। सुरेश मुझे जाना होगा। कहाँ? श्वेता बहुत डेंजर में। हम यहाँ ज्यादा डेंजर में। अगर मैं नहीं गया तो उसको मार डालेंगे। वो लड़की तुझे उसके पिता का कातिल समझती है, तू गया तो पुलिस के हवाले कर देगी। अगर नहीं गया तो मुसीबत में फंस जाएगी। कैसे भी मैनेज कर लेना प्लीज। हम यहाँ मैनेज कर लेंगे, अगर हमें कुछ हो गया तो हमारे घर वालों को मैसेज कर देना। अरे कुछ नहीं होगा, बोला ना, चलता हूँ। ओके। अरे ये तो हमको और टेंशन दे गया यार। नर्सिंग मैडम, नूडल्स लेकर आना। ठीक है मैडम। प्लीज मेरी बात सुनो। देखो चिल्लाओ मत, शांत रहो यार। चले जाओ यहाँ से। बात समझने की कोशिश करो, तुम मुसीबत में हो। सुनो मेरी। हे रुको, कौन हो तुम, कहाँ जा रहे हो? आप बिल्कुल मत डरिए श्वेता जी, हम इसी एकेडमी में एसआई की ट्रेनिंग करने आए हैं, आपका यहाँ रहना सेफ है। अगर तुम एसआई की ट्रेनिंग ले रहे हो
तो ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताते? आपको मारने की जो सोच रहा है वो भी पुलिस अफसर। मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं जो तुम्हारी बात मान लूंगी। मुझ पर भरोसा करने को नहीं बोल रहा हूँ, अपने आप को बचाओ बोल रहा हूँ। उस रोज शराब के नशे में मैंने पागलों की तरह बक दिया तो मार डालूंगा क्या? आपको इतना समझा रहा हूँ फिर भी आपको भरोसा नहीं है? जैसी आपकी मर्जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपको जो चाहिए मैं उसका पूरा बंदोबस्त कर दूंगा। मैं चलता हूँ। देखिए आप प्लीज बाहर मत जाइए। ओके विक्की। क्या है जी? ब्लड। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग सर। बॉयज को फॉल इन बोलिए। बॉयज फॉल इन। अरे वो विक्की अभी तक नहीं आया, क्या करें? हाँ यार। कम फास्ट। कम यस सर। रोल कॉल साउदर्न। विश्रम। 4564 राजन। यस सर। 4565 सुधीर। यस सर। 4566 अर्जुन सिंह। यस सर। 4567 विक्की शेरावत। 4567 विक्की शेरावत। I repeat, 4567 विक्की शेरावत। Yes sir। अरे ओके ओके। कैसे आए तुम? उधर देख, उधर देख। 4568 एट रमेश। यस सर। 4569 सुरेश। यस सर। सावधान, विसर्जन। Rambo, catch. उसने देख लिया यार। क्या है ये? जंगल में कुछ चुभ गया था। क्या चुभा तुम्हें? पता नहीं। पता करो नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। सर जाओ। ये यहां क्या करने आया है? How is life, Bharat? Point, sir. आपने बुलाया सर? बहुत दिन हो गए हमें मिले हुए, यूं ही मिलने का मन किया इसीलिए बुलाया। How are things with you? Law and order का मतलब ही टेंशन होता है सर। Especially गोदावरी एक्सप्रेस मर्डर केस तो सेंसेशन है सर। मीडिया हमें ही टारगेट कर रही है सर। बड़ा सरदर्द केस है। कल एक और मर्डर हुआ मैंने सुना। ट्रेन में जिनका मर्डर हुआ उनकी बेटी पर भी हमला हुआ। सिक्योरिटी पर तैनात कांस्टेबल को भी मार डाला। फिर वो लड़की कहाँ गई? कहीं भाग गई होगी या फिर किडनैप हो गई होगी। और ये काम भी उन चार लड़कों ने ही किया ऐसा हमें शक है। बास्टर्स। दरअसल वो चारों कौन है पता चला? वो इन्फॉर्मेशन टॉप सीक्रेट है, लेकिन 24 घंटों के अंदर हम उन्हें अरेस्ट कर लेंगे। वेरी गुड, बट हाउ? ट्रेन से कातिलों से संबंधित कैमरा हमें मिला। कैमरा? क्या है कि सर मेरा दोस्त नया कैमरा खरीदना चाहता है, कहाँ मिलेगा सर? शट अप, हम इस शहर में नए हैं ना। गेट लॉस्ट। इडियट्स, जाओ अपना काम करो। आई एम सॉरी भरत, दे आर डोंकीज। हाँ कम ऑन, टेल मी, कैमरा? पता चला कि कैमरा उनका ही है और इस फिल्म को डेवलप करने के लिए हमने एक प्राइवेट स्टूडियो में भेजा है। आई नो, बांद्रा में अरुणा स्टूडियो है ना? अच्छा, बांद्रा में स्टूडियो है, अरुणा स्टूडियो। करेक्ट सर, आप कैसे जानते हैं? अरे तुम्हारे खास दोस्त का स्टूडियो है, तुमने मुझे बताया था, ओपनिंग पर भी गए थे, भूल गए तुम? यस करेक्ट सर। एनीवे थैंक्स फॉर कमिंग। माय प्लेजर। कीप इन टच। श्योर, बाय। बाय। क्या चाहिए? हम लोग अलग अलग देश में विदेश जा रहे हैं तो ग्रुप फोटो खिंचवाना है। ठीक है, आप लोग पेपर पढ़ते रहिए, तब तक मैं लाइटिंग करके आता हूँ। ठीक है, ठीक है। जल्दी ढूंढो। अरे बोला ना, जल्दी करो। हाँ। सुरेश मिल गया, ये देखो। बढ़िया निकाला ना। अरे फोटो इसमें रखो और वो उनमें रखो। ये उस कवर में डाल, मैं इसमें डालता हूँ।
अरे जल्दी करो, आ रहा है काम हो गया, चलो चल चल चल, आ गया हाँ, लाइटिंग रेडी हो गई, जल्दी करो, चलो हाँ हाँ, अच्छा आनी चाहिए, हम दोनों गहरे दोस्त हैं। ठीक है, तुम थोड़ा लेफ्ट में आ जाओ, थोड़ा अपने राइट में, हाँ थोड़ा और थोड़ा हंस के, हाँ थोड़ा हंसिए बस, हाँ रेडी सर, स्माइल। तो एक मिनट रोकिए, मेरा फ्रेंड डीसीपी आया, मैं बात करके आता हूँ। ये इतनी जल्दी पहुँच गया? हाय भरत। क्यों प्रसाद, फोटोज रेडी है? कब से रेडी है? ये लो, अंदर एक पार्टी वेट कर रही है, मैं उनका स्टिल खींच के अभी आता हूँ। चलो प्रसाद, मेरा भी एक फोटो निकाल दिया। अरे वाह, क्यों नहीं, अरे मार गया आपको। यस सर, सर ओके सर, अचानक ही काम आ गया, मुझे जाना होगा, बाय। ओके भरत बाय। सॉरी, चलिए, हमें फोटो नहीं खिंचवानी। क्यों, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई है? हमें फोटो नहीं खिंचवानी। अमा यार, बाल बाल बच गए हम। हमने वहाँ श्वेता को बचा के खूब नाम कमाया, लगता है वो चौधरी का कहना भी ठीक ही है, बेवजह हमने उनको इतनी बातें सुनाई और दुख पहुँचाया। कोई बात नहीं यार, चौधरी तो हमारे लिए भगवान का रूप है, उनके पैर पकड़ के माफी मांगी। इसका मतलब अब श्वेता से दिल खोल के बात करनी चाहिए। एक बार दिल खोल के बात की तो इतने कष्ट उठाना पड़े, अभी तक शर्म नहीं आई क्या? लव करने से कष्ट तो होंगे ही बंटी, इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, आगे चलते, चलो चलो। इसको भी अभी मजाक सूझी। सदा
घबरा गई। घर की जरूरत का सारा सामान लाया हूँ, बर्तन स्टोव वगैरह। सुनिए हाँ। रसोई के खाने पीने का सामान लाए हैं। देखिए आटा चावल लेते वक्त दुकानदार ने पूछा घर बसा रहे हो क्या? ये सब सिर्फ आपके लिए, मत सोचिएगा बीच बीच हम भी आएंगे खाना खाने, क्योंकि वो जो खाना देते हैं उससे ये पेट भरता ही नहीं। श्वेता जी आपको खाना बनाना तो आता होगा, नहीं तो हम बनाएं क्या? श्वेता जी क्या हुआ आपको? मेरी किसी से दुश्मनी नहीं, फिर भी कोई मुझे मारना चाहता है। मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं, फिर भी आप मुझे बचा रहे हैं, आश्चर्य की बात है। कोई रिश्ते के बनने में क्या देर लगती है आज के जमाने में? एक संबंध बनाने में कोई कारण की जरूरत नहीं, आपने हम पर भरोसा किया है वही हमारे लिए काफी है। और फिर हम चारों है ना, उसी तरह बिना कोई संबंध के कोई क्यों मारना चाहेगा? योगेंद्र शर्मा ने आपके पिता को मारा, अब आपको मारने की सोच रहे, कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई वजह होगी, मेरे पिताजी ने कभी किसी से बुरा बर्ताव नहीं किया। फिर उसने आपके पिता को क्यों मारा, आपको क्यों मारना चाहता है? यही जानना है मुझे। पट्टी वो खेल रहे, चलो। हे बॉल दे, जल्दी जल्दी चल अपना सेल निकाल जल्दी। नंबर आ गया ना? हाँ हाँ। अब इसे जेब में रख, जेब में रख। हाँ ओके, रख दे वहां पर, चल चल चल। हाँ, चलो। हाँ विकी फोन हाँ, आया। श्वेता ही होगी। हेलो श्वेता जी, योगेंद्र शर्मा का नंबर लिखे। ओके। 9849090906906906। ओके संभाल के बात करना। ओके एक मिनट। चलो चलो चलो। हेलो, मैं श्वेता बोल रही हूँ। कौन सी श्वेता? जिसे दो बार मारने की कोशिश की आपने लेकिन मिस कर गए, वही श्वेता। कैन यू कॉल मी बैक आफ्टर 2 मिनट्स? ओके। हेलो रसूल, लो नंबर नोट करो, 5510-2435। ये नंबर कहाँ का है तुम पहले पता करो और जाओ, वो लड़की वहीं पर होगी। क्विक। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? क्या चाहिए ये बताने के लिए फोन नहीं किया है, तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है ये बताने के लिए फोन किया है। देखो मुझसे गेम्स खेलोगी तो मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। वो डिजिटल कैसेट दे दो। डिजिटल कैसेट क्यों दूं मैं? नहीं दोगी तो तेरे पिता की तरह तू भी मारी जाएगी। मुझे जान गई हो तुम, मेरा नंबर भी पहचान गई हो, मैं क्या कर सकता हूं यह भी जान लो। मुझसे दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी तुम्हें। आपको बॉल लग गई। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। सॉरी सर। गो। बुरा मत मानिएगा सर। आई सेड गो। हाँ। हेलो हेलो। शिट। अभी फोन पर जो लड़की बात करती हो कहाँ गई? अभी अभी उस तरफ गई है। We'll be right back.
क्यों भाई बड़े जोश में हो? बहुत बार खाना पीना, सुबह सुबह 4 बजे उठना है, जाओ जल्दी। डर गया। हर एक को सब इंस्पेक्टर ही बनना है। इस ठंड में सुबह सुबह 4 बजे जब उठेंगे तो पता चलेगा कि पुलिस की नौकरी क्या होती है। श्वेता से मिलकर उस डिजिटल कैसेट के बारे में पता करना होगा। अब तक वो योग्य है बंडी। वो भिक्षु को देखो, वहाँ क्या देख रहा है वो? उसने श्वेता को तो नहीं देख लिया? अरे सुनो सुनो विकी शेरावत सर, अरे जल्दी इधर आ जाओ। लगता है इसने देख लिया। अरे उधर देखो। क्या है सर? चंद्रमा? नहीं, वहाँ बिल्डिंग में लड़की है। बिल्डिंग दिखाई दे रही है लेकिन लड़की नहीं दिखाई दे रही। अरे क्यों नहीं दिखाई दे रही पागल, मुझे तो क्लियर दिखाई दे रही है। अरे तुम लोगों को ही दिख रही है सर। अरे तो ये मुझे ही क्यों दिखाई दे रही है? कुछ ऐसे ही होते हैं, कुछ लोग ही दिखते हैं। क्यों सर, आप डर गए क्या? अरे छोड़ो यार, हम डराना जानते हैं, डरना बिल्कुल नहीं जानते। हमको आपके बारे में मालूम है सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट। सुनो सुनो, मुझे मेरे क्वार्टर तक छोड़ दो ना, अकेले जाने में डर लगता है। अरे छोड़ो भी, ठंडी हवा में वॉकिंग करने का मजा आता है। देखो विकी शेरावत, तुम भूत के बारे में काफी कुछ जानते हो। हमारे चौधरी साहब जानते हैं। वो कौन है? महापंडित ज्योतिषी, जिंदगी की हकीकत जानते हैं। तो भूत प्रेत के बारे में जानते ही होंगे। वैसे भूतनी 3 प्रकार की होती है, शंकिनी, लंकिनी, डाकिनी। शंकिनी मतलब आउटडोर भूतनी होती है, पहाड़ों पर, पर्वत पर, खेतों में, शमशान में घूमती है वो। अब लंकिनी के बारे में, यह भूतनी पुराने घरों में, पुराने बंगलों में, सूखे हुए कुएं में होती है, बड़ी डेंजरस होती है। अब डाकिनी माने फैमिली भूत, इनके बारे में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत। अभी जो आपने देखा ना वो लंकिनी भूत है, वो बहुत कम को नजर आती है, जिसको नजर आती है छोड़ती नहीं है। को नजर आई ऐसा आपने किसी को बताया तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी, वो बदला लेगी। देखिए शरावत, एक बात जानते हो क्या? नहीं मालूम। अरे मैंने कोई भूत नहीं देखा, यूं मजाक में कॉमेडी कर रहा था। डाकिनी भूत। अरे उस कॉमेडी फिल्म में भूत थी ना मेरे प्यारे विकी शेरावत, मैंने राजमहल में कोई भूत नहीं देखा, बिल्कुल भी नहीं देखा भाई। सर बातों बातों में आपका क्वार्टर भी आ गया। देखो भैया, मैं क्वार्टर या पौवा नहीं पीता। एक बात सुनो, अगर मेरे क्वार्टर से रात को कोई आवाज आए तो तुम लोग नजरअंदाज नहीं करना। अब हाथ छोड़ो। हाथ तो आपने मेरा पकड़ा है। ठीक है ठीक है। अरे भाग्यवान लाइट चलाओ, बहुत अंधेरा है। लगता है बुरी तरह घबरा गया, नीचे से गीला हो गया होगा। श्वेता के बारे में ना बता के बड़ा अच्छा किया तुमने। आज तारीख क्या है यार? 16। आपका जन्मदिन हमें कैसे मालूम? सोच रही है ना, हम भी पुलिस अफसर बनने वाले हैं। आइए आइए, जल्दी से केक काट लीजिए वरना हमारा दोस्त आंखों से निकल जाएगा। आप लोगों ने क्यों तकलीफ की? हम सब आपके साथ हैं याद दिलाने के लिए। कट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर श्वेता जी। श्वेता जी, डैडी याद आ गए। मेरी माँ तो बचपन में ही गुजर गई थी, डैडी ने दूसरी शादी भी नहीं की। हर साल मेरा बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करते थे, लास्ट ईयर भी, लेकिन आज
तरह ये लगे वैसा। तुम चलो ये चले, चल पड़ेंगे सब राहें, प्यार से बुला रही प्यार की बाहें। अरे बदले सादी सी, एक पल में है गम हाँ एक पल में खुशी। अरे यारो कहते हैं इसको ही जिंदगी। हे ना ना ऐसे ना चुप चुप रहना, हे ना हंस देना, हंसना है जीना। ये सबसे प्यारी है, ये सबसे न्यारी है, जीवन की हम सबसे मीठी सी यारी है। कोई समझे ना कोई जाने ना, लगती बड़ी सीधी सादी सी। पहले तो मुझे एक ही भूत दिखा था, अब तो लगता है पूरी फैमिली शिफ्ट हो गई। और ये सब मुझे क्यों दिखाई देते हैं? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसकी बातों से मुझे आपके पिताजी को मारने का कारण कोई कैसेट है ऐसा लगा। कैसेट? हाँ, मेरे पिताजी हमेशा डिजिटल कैमरा रखते थे। अब वो कहाँ है? उस रोज ट्रेन में मिस कर गए। अगर उससे वो मिल गया होता तो कैसेट के बारे में नहीं पूछता। चलो चले, टाइम हो गया, चलो। क्या यार, इतने दिनों बाद छुट्टी मिली सोने के लिए, क्यों परेशान कर रहा है? चुपचाप यहाँ आओ, बताता हूँ क्या है। कंपार्टमेंट में चोर कौन था मुझे पता चल गया। पता चल गया? और कौन? वो गणेश का बच्चा। हाँ? देखो हाँ। उस सोने की चेन को कैसे घूर रहा है, यहाँ देखो उस बैग के पीछे कैसे पड़ा। यहाँ लड़की के गले में चेन है, लेकिन डेड बॉडी के गले से चेन गायब। वो तो अपने को सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहता था। सॉफ्टवेयर नहीं, हार्डवेयर नहीं, वो साला बस एक चोर है। जरूर उसी ने कैमरा चुराया होगा। वो अब कहाँ मिलेगा? मुंबई स्टेशन के बाहर की रानी होटल की चाय सुबह सुबह पियो तो दिन भर फ्रेश रहता हूँ। गणेश अब तू गया काम से। मेरे अंगने में तो भैया मेरे लिए कोई फोन आया था क्या? अब जब तुम्हारे चार फोन आ गए हैं, इंस्पेक्टर साहब बहुत नाराज है क्योंकि तुम जाके सिग्नेचर नहीं करते हो। अरे फोन तो आते रहेंगे, मेरे लिए दो समोसा पाव भेज दो। गणेश भाई के लिए दो समोसा भेजो। मेरे नन्हे ने तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। यहाँ कैसे आना हुआ? सहयात्री को इतनी जल्दी भूलना नहीं चाहिए। करेक्ट, मैं बाद में आता हूँ भाई। बैठो, एक लाफा मारूंगा तो 32 बार आ जाएगी। तू अपने आप को बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझता है? अंडरवियर नहीं बना सकता, सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या बनेगा? ट्रेन में तो उस दिन बहुत बात कर रहा था गुजारा करने के लिए। अरे तू जो कहता है वो करता नहीं, जो करता है वो कहता नहीं। बिल्कुल नहीं है सर, मेरी माँ भी यही कहती थी। अच्छा बता, वो कैमरा कहाँ है बे? कौन सा? मैंने तो उसे भेज दिया सर। किसको? अंधेरी स्टेशन के पास मस्जिद के बगल में सलीम। अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो बोलने के काबिल नहीं रहेगा। सर चोरी करके जीते हैं मगर हम झूठ बिल्कुल नहीं बोलते, समझ लो। क्या रे उंगली दिखा के बात कर रहा है? अरे बाबा बाबा बा, सर सर गलती हो गई, गलती हो गई सर, गलती हो गई। अरे कितनी देर हो गई मुझे समोसा बोले। कांटा लगा
सर बॉयज को हॉलीडे क्यों दिया हमने? क्यों दिया सर? तुम बताओ। रिलैक्स होने के लिए? नहीं, सरप्राइज चेक करने के लिए। लेट्स गो। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है ये? टेक देम आउट। हटाओ इसे। सेक्स बुक्स। इडियट। आउट। चलो बाहर जाओ। सबको बाहर ले चलो। तेरे दिल में मैं बस जाऊं बिपाशा और मेरे दिल में बस ये करीना। निकालो इसे। ए सब कुछ हटाओ और वो फोटो सारी फाड़ दो, फाड़ दो। ओ फाड़ो। ओफो, मुझे ऐसे मत देखो प्लीज अमीश पटेल। ये रमेश है सर। देखो। ए निकालो, फाड़ो इसे। ये दोनों भी चाहिए मुझे, वो दोनों उसको चाहिए। फूड लेस खाता है। ए सब हटाओ। विक्की सर ज्योतिष विद्या पे ज्यादा विश्वास रखता है। मूव। जी सर। भारत, योगी हियर। तुम तुरंत एकेडमी चले आओ। तुम जिन क्रिमिनल्स को ढूंढ रहे हो वो यहीं पर हैं। फास्ट। क्रिमिनल्स कौन है? इन चारों लड़कों ने ही गोदावरी एक्सप्रेस में मर्डर्स किए थे। रिक्शो। रिक्शो। सर, उस बंगले में कोई रहता है क्या? अब कोई क्या मतलब, वहां पर ठीक से बोलो। एक भूतनी फैमिली के साथ रहती है। क्या भूतनी फैमिली है? आर यू मैड? सच बात है सर, मैंने खुद देखा है। पहले वो अकेले रहती थी, बाद में फैमिली पूरी शिफ्ट हो गई वहाँ पे। कभी कभी गाना भी गाते हुए डांस भी करते हैं। मुझे क्यों नहीं बताया? किसी को बताने से वो भूतनी बदला लेने के लिए जान ले लेती है। उसी ने बोला। किसने? था वही उन चारों में से एक विकी ने। विक्की शेरावत। सब जगह घूम लिया लेकिन उस सलीम की दुकान नहीं दिखाई दी। वो दुकान मिल गया तो हमारी बदनसीबी दूर हो जाएगी यार। वो देख मस्जिद के बगल में शॉप। भाई साहब क्या होना भाई? मस्जिद के बगल में सलीम इलेक्ट्रॉनिक्स है। अरे बोर्ड में पड़े नहीं क्या? ये मर्दों की दुकान नहीं, लेडीज की दुकान है। ठीक है जी, यहाँ मस्जिद के बगल में ही सलीम इलेक्ट्रॉनिक्स से किसी ने बोला था। अरे रखी गली में लेडीज का आइटम है, कोई सलीम कलीम नहीं जाओ यहाँ से। नहीं भाई यहीं पे है बताया था। अरे सुबह सुबह काय को भेजा चाहती। इस गणेश ने फिर से हमें धोखा दे दिया। उसकी बाद में सोचेंगे। अकेडमी चलो, देर हो गई। चलो चलो। इस बीच गोदावरी एक्सप्रेस में हुई हत्या ने आज एक नया मोड़ ले लिया। इस केस में दोषी के रूप में जिन पर शक हो रहा है वो चारों लड़के मुंबई की पुलिस एकेडमी में हैं। सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग के वास्ते वहाँ पर आए हैं। पुलिस सूत्रों से पता चला है ये चारों शोलापुर के रहने वाले हैं। एकेडमी डायरेक्टर योगेंद्र शर्मा ने बयान दिया कि विकी शेरावत सन ऑफ सत्येंद्र पाल, बी रमेश सन ऑफ नरेंद्र सिंह, यल सुरेश सन ऑफ दुर्गा प्रसाद, सी वीरेंद्र राठौर अलियास बंटी सन ऑफ अभय यादव, लेकिन ये चारों इस वक्त फरार हैं एकेडमी से, ऐसा डीएसपी भरत ने बताया चैनल को। इन्होंने एक लड़की को भी किडनैप किया हुआ है, ऐसा भी शक पुलिस को है। पुलिस ट्रेनिंग में रहते हुए इन्होंने गलती की है, इनको पकड़कर सजा देंगे, ऐसा बयान डीजीपी वीके शर्मा ने मीडिया को आज दिया। ये थी अब तक की खास खबरें। श्वेता, 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 श्वेता को साला योगी उठा के ले गया होगा। हाँ हाँ। कौन है? फोन। हेलो,
हाँ ठीक है ठीक है। कौन है? मेरे पिताजी, हमारे पेरेंट्स को इंटरोगेशन के लिए मुंबई बुलाया है यार, और हम जहाँ कहीं भी हो सरेंडर होने के लिए बोला है। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं सच कह रहा हूँ। यही है क्या उनके पेरेंट्स? यस सर। वो कहाँ छुपे हैं पता नहीं बोल रहे ना, इनको इस तरह बिठाकर बड़े प्यार से पूछने पर जवाब देंगे क्या? ए, गेट अप, गेट अप। उन लोगों ने 3 मर्डर्स किए पता है? वो ऐसे बच्चे नहीं है जी। उनको सर्टिफिकेट देने के लिए यहाँ आई हूँ। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत को मिट्टी में मिला दी। क्रिमिनल्स, कैसे नालायकों को जन्म दिया है, कुछ शर्म करो। बच्चों को पालना नहीं आता तो किसी रेल के नीचे जाके मर जाइए। देखिए आप गलत बात कर रहे हैं। मार डालूंगा। यू डोंट नो मी। सर कूल प्लीज। मेरे बात सुनिए, अगर वो आपके कांटेक्ट में आए तो उनसे बोलिए कि सरेंडर होने के लिए, वरना आप भी मुसीबत में पड़ जाएंगे, आप जा सकते हैं। सर आप इस केस में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। मेरी ट्रेनिंग में उन लड़कों ने ऐसा किया है। आई एम फीलिंग शेम फॉर इट। दैट्स इट। डैडी मैं जाके टिकट्स लेके आती हूँ। साथ ही पिताजी के लिए कुछ खाने के लिए ले आना। हाँ। बेटी मुझे भूख नहीं है, तू जा बेटी। ये क्या जी, सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया। मुझे जहर के अलावा कुछ खाने का मन नहीं लक्ष्मी। उससे पुलिस की नौकरी मिली, मुझे खुशी हुई, लेकिन उसका पिता होने के नाते मैं उसे समझ नहीं पाया, और आज मुझे शर्म आ रही है। नीता भैया ये सब क्या है भैया? वो सब बाद में बताऊंगा, पहले जो मैं कहता हूँ करो। ठीक है, जाओ जाओ जाओ। पिताजी भैया रिजर्वेशन काउंटर के पास है पिताजी। उन्होंने मुझसे बात की पिताजी। अब चुप रहिए माँ, उन लोगों को यहाँ से भेजने के लिए मैंने ऐसा कहा, भैया हमसे मिलने यही आ रहे हैं। बेटा तेरे साथ ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है माँ, आप चिंता मत करो। पिताजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। टीवी में पेपर्स में तुम ही हत्यारे और फोटोज भी छपी है। तुम्हें जिसने ट्रेनिंग दिया वही ये साबित कर रहा है कि तुम दोषी हो। उसने मुझ पर हाथ भी उठाया लेकिन मैंने भरोसा नहीं किया। आज तक आप लोगों से हमेशा मांगता रहा, कुछ दिया नहीं। अब कसम खा रहा हूँ आपका झुका हुआ सर उठने तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मुझ पर भरोसा रखिए भैया, जल्दी जाइए पुलिस आ जाएगी। पिताजी माँ का ध्यान रखना, बहन का ध्यान रखना, मैं चलता हूँ। क्यों बेटी, तुमने तो कहा रिजर्वेशन काउंटर के पास है, वहाँ तो कोई भी नहीं है। आपको वहाँ तुरंत जाना चाहिए था, शायद आपने जाने में देर कर दी। चलो यार तुम इधर आओ। सुनिए नाश्ता ठंडा हो जाएगा। सही बोला, भूख लगी है, तुम भी खा लेते हैं। कैसेट कहाँ है? आई एम आस्किंग यू वेयर इज द कैसेट। अगर मैं डूबूंगा तो कन्फर्म, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको साथ में डुबाऊंगा, सबको साथ में डुबाऊंगा। आई हेट साइलेंस। हेलो, मैं हूं विक्की, विक्की शेरावत। तू उस लड़की को जितना भी डरा ले या विनती कर ले, वो कैसेट तुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कैसेट मेरे पास है। विक्की, तू इस लड़की को बचाने के लिए इतना टेंशन क्यों ले रहा है? अब मेरी समझ में आ गया है, जो मुझे चाहिए वो तेरे पास है और जो तुझे चाहिए वो मेरे पास है। सच बोला। लेट्स मेक ए फेयर डील विक्की, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, मुझे जो चाहिए मुझे दे दो, नो मोर गेम्स। ठीक है, प्लेस भी तुम्ही बताओ। हिस्टोरिकल प्लेस, वही पुराना किला। ओके, लेकिन वो कैसेट तो हमारे पास नहीं है। अरे ये बात हम जानते हैं, वो नहीं जानता।
वहां क्या देखते हो? तुम्हारे आदमी की तो वाट लगा दी। चल बे। चल बे। चल। ए? ओके। Where is my cassette? यानी कैसेट देने के बाद हम दोनों को मार के कैसेट उड़ा ले जाने का सोच रहा है? तेरा दिमाग इतना काम करता है तो हम शोलापुर से हैं तो हमारा दिमाग कितना काम करेगा? कैसेट वैसेट कुछ नहीं, चलो शोलापुर। कैसेट कहाँ है? कैसेट, आई एम आस्किंग यू वेयर इज द कैसेट? विक्की, लाओ मुझे दो। कम ऑन, गेट अप। इमोशन होना ही काफी नहीं, टेक्निक कैसे दो। मुझे कुछ नहीं पता, इमोशनली तुझे मैं इससे वक्त मार सकता हूं। मारना आसान है, बचाना मुश्किल। बचाऊंगा उस लड़की के साथ, सच को भी बचाऊंगा। hey, हाँ आ जाओ। ठीक है चलो। चल बे। सर, सर ये चोट कैसे लगी? नथिंग सर, चेहरे पर तो पूरा। शट अप, फाइल यहां रखो। ठीक है सर। हेलो, मैं गणेश बोल रहा हूँ सर। गणेश जी? के गणेश, पहचाना नहीं? तो आप जो ढूंढ रहे हैं कैमरा, वो मेरे पास है। कैमरा? मुझे कोई कैमरा नहीं चाहिए। देखिए शर्मा जी, आप पुलिस वाले हैं तो मैं चोर हूँ। ट्रेन में प्रकाश का कैमरा मैंने चोरी किया था, उसमें क्या क्या है मैं वो भी जानता हूँ। अब आप कुछ छुपाने की कोशिश मत कीजिए, उससे आपका ही नुकसान होगा। क्या चाहिए? क्या चाहिए पूछेंगे तो बोलूंगा, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए। तुम कहाँ पर हो? अंधेरी स्टेशन के बगल में ईरानी होटल में हूँ, जल्दी लेके आ जाओ। अब तुम्हें कहाँ मारूं मैं? मुझे मारे बिना काम नहीं चल सकता। चल सकता है, कैमरा दे देगा तो। कैमरा दे दे इनको, दे दे जल्दी कर। ये ले। जबान से मुकर रहे हो तुम। अबे तेरे जैसों के साथ काहे की जबान रे, तुम लोग तो सिर्फ एक ही जबान समझते हो, थप्पड़ की जबान। कैमरा मिला क्या? कैमरा मिल गया, तुरंत देखना है। पहले हमको कोई जगह चाहिए। हाँ, मेरी एक क्लोज फ्रेंड यहीं रहती है, उसके पेरेंट्स दिल्ली में हैं। वो अकेली है, वहीं चलते हैं। गणेश कहाँ है? वहाँ बैठा है। कैसेट कहाँ है? नहीं है। डोंट इरिटेट मी, गिव मी द कैसेट। नहीं है बोला ना, कितनी बार समझाऊं तुम्हें? ए ए ए ए ए ए, क्या मारोगे मुझे? मारो मारो। इडियट, ये तो उससे भी ज्यादा। इंदिरा पार्क, डैडी वॉक के लिए वहीं जाते थे।
तरह तरह के बर्ड्स को कैमरा में रिकॉर्ड करते थे। प्लीज सर, एक बार आप माफ कर दीजिए। ये तुम्हारे लिए पहली बार नहीं है। उस इनोसेंट स्टूडेंट को अपनी पर्सनल दुश्मनी के वास्ते उसे नक्सलाइट बनाकर मार डाला तुमने। मुझको पता होते हुए मैंने तुम्हें छोड़ दिया क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। आज ये नकली स्टैम्प्स का मामला पूरे देश में इशू बन गया है। हमारे राज्य के मिनिस्टर तो अरेस्ट किया गया है। कर्नाटक में पॉलिटिशियंस के साथ बड़े बड़े ऑफिसर्स भी अरेस्ट किए गए हैं। महाराष्ट्र में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया नायक को भी नहीं छोड़ा। अरे पहली बार अब्दुल करीम तेलगी पर 1999 के अगस्त महीने में केस फाइल हुआ था। उन नकली स्टैम्प्स के नमूने नासिक जेल भेजकर तेलगी को बचाया था तुमने, ऐसा मेरी इंक्वायरी में पता चला है। ये बात जानते हुए भी अगर मैं इसे छुपाऊंगा तो तेरे साथ साथ मैं भी फंस जाऊंगा। देखो योगी, एक इंक्वायरी ऑफिसर होने के नाते मुझे अपनी ड्यूटी करने दो, इसके बाद तुम्हारा फैसला कोर्ट करेगा। ठीक है, मगर इससे तो मेरा पूरा करियर खत्म हो जाएगा सर। ट्राई टू कोऑपरेट। सॉरी, मुझे इन्फ्लुएंस करने की कोशिश मत करो। आई एम गोइंग टू सबमिट माई रिपोर्ट टूडे। लेट मी डू माई ड्यूटी। सर, योगी, ये क्या? आपकी सिंसियरिटी की मुझे तारीफ करनी होगी। ये लो प्रमोशन। नो। नक्सलाइट के हाथों मारा गया शरद कुमार IPS। क्योंकि ये न्यूज कल तुम नहीं दे पाओगे, इसलिए एडवांस में वो न्यूज इस वक्त दे रहा हूं तुम्हें। विकी। हाँ? मैंने कहा था ना उसे कहीं देखा है, अपने फ्लैट में ही देखा। कब? जिस दिन हम लोग गाँव गए थे। तुम्हारा इलाका कौन से पुलिस स्टेशन में आता है? लोखंड वाला। ये योगेंद्र शर्मा पुलिस एकेडमी का हेड ऑफिसर बनने से पहले जरूर लोखंड वाला में ही DCP रहा होगा। यानी श्वेता, उस दिन क्या हुआ? मेरे डैडी उस दिन पता नहीं क्यों टेंशन में घर आए थे। डैडी, जूस यहाँ रखा है, पी लीजिएगा। ठीक है बेटी। मैं जरा दुकान तक जाकर आती हूँ। ओके ओके। हेलो DCP है। मेरा नाम प्रकाश है जी, मैं लोखंड वाला से बात कर रहा हूँ। इंदिरा पार्क में जो मर्डर हुआ था उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। बोलिए। मरने वाले को मैंने देखा है। तुमने देखा? मॉर्निंग वॉक से लौटते समय मैंने बर्ड्स को शूट किया था, उसी समय मैंने मर्डर भी अपने हैंडीकैम से शूट किया। वो कैसेट इस वक्त कहाँ पर है? वो मेरे पास ही है। आपने ये बात किसी और को बताई है क्या? किसी को नहीं बताई, सिर्फ आप ही को फोन करके बता रहा हूँ। ये बड़ा ही सेंसिटिव केस है, इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हुए हैं। आप ये टॉपिक कहीं डिस्कस मत करिए, किसी को इसके बारे में मत बताइए, आखिरकार अपने घर वालों को भी नहीं। उससे आपकी जान को ही नहीं बल्कि आपके सारे घर वालों की जान को खतरा हो सकता है। राइट सर। एड्रेस बताइए। फ्लैट नंबर 418 अरुण अपार्टमेंट्स, लोखंड वाला एरिया, बिसाइड पेट्रोल पंप, अंधेरी वेस्ट। आप वहीं पर रुकिए, आई विल गेट इन टच विद यू। श्वेता बेटी, श्वेता, श्वेता। आओ बेटी। क्या हुआ डैडी, कोई टेंशन है? मैं बाद में बताता हूँ, कुछ नहीं हुआ। आओ। चलो बेटी। डैडी क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं बेटी, आज हम अपने गांव जा रहे हैं बेटी। उन्होंने जो देखा वो हादसा पुलिस को बताना चाहते थे, टेंशन में आके हत्यारे को बता दिया।
आपके फ्लैट के सामने योगेंद्र को देखकर डर गए और आपके पिताजी आपको लेके गांव चले गए। वापस लौटते वक्त योगेंद्र ही हत्यारा है, जाने बगैर उन्होंने बर्थ नंबर्स भी उसे बता दिए। बर्थ नंबर्स बदलने के कारण आपके पिताजी के साथ उस लड़की को भी मार डाला। उसे नहीं छोड़ना चाहिए। ये कैसेट अपने पास होते हुए उसका बच निकलना मुश्किल है। इस सबूत को पुलिस को सौंपेंगे, मगर ये केस डील कर रहे हैं डीसीपी भरत, उसका बहुत खास है। क्यों ना हम गवर्नर से मिले। What? गवर्नर से अपॉइंटमेंट उन्होंने लिया है? हाँ सर, लगता है उनके पास कोई एविडेंस है। पुलिस डिपार्टमेंट पे भरोसा नहीं है कि गवर्नर से रिक्वेस्ट की तो कल पब्लिक हॉलिडे होते हुए उनको स्पेशली अपॉइंटमेंट मिला है। अरे यार, अगर हम ये कैसेट गवर्नर को सौंप देंगे तो हमारी जान बच जाएगी और हम चैन से नौकरी कर सकेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने गांव चले जाएंगे और कुछ ना कुछ करके जी लेंगे वहाँ। सुनो यार, बहुत दिन हो गए हैं, एक दो पिक मारते हैं। अरे चुप, शर्म नहीं आती? ओ, वैसे पहले हम लोग पिया करते थे, अभी आप है ना इसलिए डर रहा है। मुझसे डर रहे हैं? दारू पीने से पहले ये सबसे डरता है और दारू पीने के बाद सबको डराता है। वो तो मैंने देखा है। वैसे अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, ये क्या है, थोड़ा टेंशन ज्यादा हो गया है ना। वैसे आप समझ सकती हैं, प्लीज थोड़ा सा मजा करने दीजिए ना। बोल रहा प्लीज करने दीजिए ना। ठीक है, आराम से पीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे चुप रहो रे, औरतों के सामने दारू पीना मुझे अच्छा नहीं लगता और ये ठीक भी नहीं होगा। हेलो, साथ में मेरे लिए एक वाइन बॉटल लाना मत भूलना। जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आहें भरना क्या। अरे प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या। वाह वाह वाह, इतने मजे भी कितने दिन हो गए ना यार। बहुत दिनों बाद पी रहे ना, इसलिए थोड़ा अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें क्यों होगी यार, तुम तो पिए करो, तो कुछ कम नहीं है। ए विकी, देख तू अपनी लिमिट से भी पी और ठीक से रहना। पीने के बाद ऐसे नहीं करेंगे तो और कैसे करेंगे। ज्यादा पीने से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। अरे Would you like to have anything else? मैं तेरी बात समझ गया। देख हम लोग किसी के घर में कैसे हैं, प्लीज आराम से आराम से। Hey guys, I'm asking you, you want to have anything? Let me know. कितनी बार बोलने का, इंग्लिश में क्यों बोलती है, समझती नहीं है। शांत हो जाओ, घर में तो क्या हुआ, हिंदी नहीं आती है क्या? समझने की कोशिश करिए। ये बात नहीं है, मैं नहीं जानता क्या इस लड़की की बात। छोड़, हर एक को ये फैशन हो गया आजकल, टीवी एंकर भी जब भी देखो हार्ट फूट करती है। चल तू बताओ कैसे करती है। हाय, मैं अपनी सिस्टर के जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। ग्रैंडपा, ग्रैंडमदर, ब्रदर, सिस्टर। हिंदी जानते हुए भी अंग्रेजी को तोड़ मरोड़ के बोलने की कोशिश करेंगे, ये तो फैशन हो गया है। हर चैनल में ऐसे ही बोलेंगी, वो इतना छोटा है, वो इस तरह है, उसका फिगर इतना अच्छा है और छोटा बड़ा है और आराम से। दारू पी के बोलते हो ऐसा नहीं है, औरत कैसी होनी चाहिए, अपनी श्वेता जैसी। एक हिसाब से हर बात को सोच समझ के बोलती है, प्यार से बोलती है, तो हमारे अंदर भी फीलिंग आती है ना। मुझे समझ आ रही है। मारे 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 मारे। हे मेरी अता पेरा
गोल खाके मैं बचा दूंगी तेरा बैंड बाजा। hey, मैं प्यार का जाल ऐसा बिछाऊंगा फंस जाओगी जिसमें एक दिन गोरी। दिल में है क्या जानू मैं तुझको पहचानू लगती नहीं दिखनी ये स्टोरी। अरे तेरी गली में तो आया रे मार 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 या बचा ले। ऐसे ना झटको ऐसे ना मटको दिल पे चलाओ ना छुरी गोरी। तुम सबको कितनी बार कितने ही केसेस में बाहर किया है मैंने तुम सब अच्छी तरह जानते हो। वो मेरे लिए कितना रिस्क था। अब मेरी लाइफ डेंजर में पड़ी है जिसका कारण है इन सारी फोटोग्राफ्स में जो वो चार लड़के और वो लड़की। मुझे दोषी करार करने के लिए उनके पास एविडेंस भी है जिसे लेकर वो लोग राजभवन जा रहे हैं।
अभी जो मैंने आपको पैसा दिया है उसे खाली एडवांस समझना, और आप जितना भी चाहोगे मैं दूंगा तुम्हें। किसी भी तरह उन चारों को राजभवन पहुंचने से पहले खत्म कर डालो। योगी भाई तुम फिक्र मत करो, हम संभाल लेंगे। बेड़ो सुल्तान बाजार और लाल चौक में हमारे आदमियों को होशियार कर दो, राजभवन की तरफ जाने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक करना होगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ होली खेल रहे हो, वहाँ राजभवन के नजदीक उसके लोग जमा है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। उनके लोग सब यही हैं। सब गुंडे हमें घूर रहे हैं, संभल के। पूरा गैंग यहीं पर है, हमें पहचान लेंगे, खबरदार। भाई मैं ठाकुर बोल रहा हूँ। बोलो। इस होली के रंगों की वजह से उन छोकरों को पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है भाई। पीछा करो उनका, चलो भागो। ए उधर चलो। नहीं सब निकल जाओ। ठीक है चलो। पकड़ो पकड़ो, किसी को भी छोड़ना मत, जल्दी। ए छोड़ना नहीं, किसी को भी कहना, जल्दी। ए गए हो ना? एनफ, काम की बात करें। हिस्टोरिकल प्लेस पुराना किला जो डील होनी चाहिए थी मिस हुई, नो प्रॉब्लम। राजभवन, दिस इज आल्सो हिस्टोरिकल प्लेस, कम ऑन, गिव मी द कैसेट। पुलिस वाले होते हुए तुमने बेशर्मी का काम किया है, तुम्हें पकड़वाने का यही अच्छा मौका है। हे सुरेश, हां ये कैसेट लेकर गवर्नर साहब को दे दो, इसे मैं संभालता हूं। ए रुको, कैसेट लेकर कहां भाग रहा है? रुक जा। ए स्टॉप, ए स्टॉप, कैसेट मुझे दे दे। बैक गया यार। Take him to hospital and arrest him. Hmm. Pistol lao. Lao pistol. Come on. Chalo.
थैंक यू। और अब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री चंद्रशेखर साहब दो शब्द कहेंगे, प्लीज सर। महाराष्ट्र पुलिस अकादमी से 2007 और 2008 वर्ष में अपना कर्तव्य पूरी तरह निभाने को तैयार हुए 42वें बैच के पुलिस अधिकारियों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूँ। पुलिस अधिकारी बनने से पहले ही इस राज्य के महत्वपूर्ण केस को सुलझाने में के विक्की शरावत, एम सुरेश बाली, के विनय रमेश, श्री वीर बहादुर को स्पेशली धन्यवाद करता हूँ मैं। इनको सरकार की तरफ से विशेष सेवा मेडल प्रदान करने के लिए और वेलकम दम ऑन द डायस टू रिसीव द मेडल। All the best. Thank you, sir.